चित्रा आईने में देखते हुए परेशान होते हुए खुद से कहती है, क्या ये मैं हूँ? वंदना चित्रा के पीछे से जाकर उस आईने में देखते हुए कहती है, लग रही हो ना चाची आप और भी ज्यादा सुंदर इस आईने के सामने खड़े होकर। मैंने कहा तो, ये आईना वाकई जादुई है, जो इसके सामने खड़ा होता है और भी ज्यादा सुंदर दिखने लग जाता है। वंदना को आईने में चित्रा ही दिखाई दे रही थी, पर चित्रा के फेस के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आईने में उसका साया नहीं बल्कि कुछ और ही दिखाई दे रहा हो, कुछ ऐसा जिस पर वो यकीन नहीं कर पा रही हो, जिसके कारण बार बार अपने चेहरे पर हाथ फेर रही हो। चित्रा धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए एक डर के साथ कहती है, नहीं ये मैं नहीं हूँ, नहीं ये मैं नहीं हूँ। वंदना अपने में ही लगे रहते हुए कहती है, ये आप ही हैं चाची, ये आईना इंसान को इतना सुंदर बना देता है कि उसे खुद यकीन नहीं होता कि वो खुद को देख रहा है या किसी सुंदरी को। रुकिए, आप ना अपने बाल खुले करिए, फिर आप और भी ज्यादा सुंदर लगेंगी। इतना कहकर वंदना चित्रा के सिर से पल्लू हटा देती है। वंदना चित्रा का जूड़ा देखते हुए कहती है, आपका जूड़ा तो और भी ज्यादा सुंदर है चाची, कितने घने बाल हैं। मैं तो इस जूड़े को देखकर ही बता सकती हूँ कि आपके बाल आपकी कमर के नीचे तक तो जरूर आते होंगे। चित्रा वंदना को मना करते हुए कहती है, नहीं वंदना रहने दो, जूड़ा मत खोलो, जूड़ा खोलने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे बाल बंधे ही रहने दो, मुझे वैसे ही पसंद है। वंदना जबरदस्ती करते हुए कहती है, एक बार चाची आप बाल खोलकर तो देखिए, आप ना और ज्यादा खूबसूरत लगेंगी खुले बालों में। चित्रा वंदना को मना करते हुए कहती है, नहीं वंदना रहने दो। वंदना अपने ही मन की लगाते हुए कहती है, चाची आप एक बार मेरी बात तो मानिए, देखना आपको खुले बालों में देखकर अनुराग चाचा फिर से आपके दीवाने हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना आप। ये जो पति होते हैं ना, बड़े वो होते हैं, घर की एक ही दाल खाते खाते बोर हो जाते हैं, इसलिए दाल में अलग अलग तड़के लगाते रहना चाहिए, वरना वो बाहर मुंह मारने लग जाते हैं। इतना कहकर वंदना ने चित्रा के जूड़े को खोलने के लिए उसके बालों को छुआ ही था कि तभी चित्रा के सामने जो कांच लगा हुआ था वो धीरे धीरे चटकने लग जाता है। चित्रा को वो कांच साफ चटकते हुए दिखाई देने लग जाता है। वंदना को भी उसके चटकने की आवाज सुनाई देने लग जाती है और वो चित्रा के जूड़े को छोड़कर उस कांच पर अपनी नजर जमा लेती है। देखते ही देखते कांच में कई सारी दरारें एक साथ पड़ने लग जाती हैं और वो कांच कच से टूट जाता है। उस कांच के कई सारे बारीक टुकड़े होकर फर्श पर गिर जाते हैं। गनीमत होती है कि चित्रा को उनमें से एक कांच भी नहीं लगता है। वंदना डरते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, ये तो अशुभ हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था ऐसा। चित्रा वंदना से पूछती है, क्या नहीं होना चाहिए था वंदना? वंदना जवाब देती है, ये कांच चाची, इस कांच को नहीं टूटना चाहिए, कांच का टूटना अशुभ होता है। कहते हैं कि अगर घर में कोई कांच की चीज टूटती है तो घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है, और आप तो कांच टूटने से पहले कांच के सामने ही खड़ी थी, इसका मतलब आप पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। चित्रा वंदना की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, वंदना तुम ना कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो, तुम्हें पता है ना ग्रेवयार्ड कोठी कितनी पुरानी है, तो जाहिर सी बात है ये कांच भी पुराना होगा और पुराने कांच भी वक्त के साथ धीरे धीरे चटकने लग जाते हैं, तो टूट गया होगा ये भी, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है। वंदना झट से घबराते हुए ही बोलती है, परेशान होने वाली बात है चाची, जरा आप कांच को देखिए, इस तरह से बारीक टुकड़ों में कांच कहाँ अपने आप टूटता है, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई बुरी शक्ति की वजह से टूटा हो, कोई साया इस पर आकर गिरा हो। एक पल के लिए उन कांच के टुकड़ों को देखकर चित्रा को भी वंदना की बात सच लगने लग जाती है, पर वो जानती थी अगर उसने वंदना की बात मान ली तो वंदना और भी बात का बतंगड़ बना देगी, इसलिए वो बात को रफा दफा करते हुए कहती है, वंदना तुम ना छोड़ो ये सब और जल्दी से नीचे चलो, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे नाश्ते का, पुखलिन ठंडे अच्छे नहीं लगेंगे। वंदना को जवाब नहीं देती है, वो फर्श पर पड़े कांच के बारीक टुकड़ों को ही देखते रहती है। चित्रा वंदना का हाथ पकड़ती है और फिर जबरदस्ती उसे वहां से ले जाने लग जाती है। वंदना को ना चाहते हुए भी चित्रा के साथ जाना पड़ता है, पर उसका मन उन्हीं कांच के टुकड़ों में लगा रहता है। किचन में पहुंचकर चित्रा जल्दी जल्दी सबके लिए अलग अलग प्लेटों में पुखलिन निकाल लेती है। चित्रा वहीं पर वंदना को समझा देती है कि ऊपर कमरे में हुए हादसे के बारे में वो किसी को भी ना बताए, क्योंकि चित्रा नहीं चाहती थी कि वंदना की तरह इतनी छोटी सी बात के लिए बाकी लोग भी परेशान हो। जब चित्रा और वंदना एक बड़ी सी ट्रे में पुखलिन लेकर हॉल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर सब आपस में बातें करने में लगे हुए थे
और युग अभी तक अमोदिता के साथ ही खेल रहा था, जैसे उसे अमोदिता का साथ अच्छा लग रहा हो। युग और अमोदिता की भी काफी कम वक्त में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। जानकी की नजर जब चित्रा के हाथ में पकड़ी हुई ट्रे पर पड़ती है तो वो तुरंत बोल पड़ती है, तो चित्रा तुम पुखलीन बनाकर लाई हो, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पुखलीन बहुत पसंद है। चित्रा कुछ कहती है उससे पहले ही रजनी बोल पड़ती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। चित्रा बोल पड़ती है, आप टेस्ट करके देखिए ना। चित्रा रजनी को प्लेट देने के साथ वहां पर बैठे सभी लोगों को पुखलीन से भरी प्लेट दे देती है। चित्रा युग और अमोदिता के बीच भी पुखलीन की एक प्लेट रख देती है। सभी लोग पुखलीन खाने लग जाते हैं। अभी सभी लोगों ने एक ही निवाला पुखलीन का खाया था कि सबके फेस के एक्सप्रेशन बदलने लग जाते हैं, सब अजीब सा मुंह बनाने लग जाते हैं। चित्रा के समझ नहीं आ रहा था कि सबको हुआ क्या, वो ऐसे अजीब से मुंह बनाने क्यों लग गए। चित्रा के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। चित्रा कुछ समझ पाती उससे पहले ही रजनी भी अमोदिता की तरह वहीं पर थूकते हुए कहती है, ओह इसमें क्या तुमने जहर मिला दिया है चित्रा। चित्रा कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो रजनी। रजनी पुखलीन की प्लेट टेबल पर रखते हुए कहती है, हमें मारने का इरादा है क्या तुम्हारा, कितने कड़वे हैं ये। चित्रा कुछ कहती इससे पहले ही जानकी भी बोल पड़ती है, हाँ चित्रा बहुत ही कड़वे पुखलीन बने हैं, इसमें क्या मिला दिया था तुमने। चित्रा अपनी सफाई देते हुए कहती है, मैंने तो बस गुड़ की चाशनी मिलाई है। वंदना भी चित्रा का साथ देते हुए कहती है, हाँ माँ मेरे सामने ही तो बनाए हैं चाची ने ये, मैंने ही उन्हें गुड़ की चाशनी में पुखलीन बनाने के लिए कहा था। जानकी कुछ परेशान होते हुए कहती है, फिर ये इतने कड़वे क्यों लग रहे। अनुराग तुरंत पुखलीन का एक और निवाला खाते हुए कहता है, कहाँ कड़वे लग रहे हैं भाभी, इतने मीठे तो लग रहे हैं पुखलीन, इससे अच्छे पुखलीन तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। सब लोग अनुराग की बात सुनकर हैरान रह गए थे, क्योंकि वहां पर बस अनुराग ही था जिसे पुखलीन मीठे लग रहे थे, बाकी सबने तो एक निवाला तक अच्छे से नहीं खाया था, जो खाया था उसे वहीं पर थूक दिया था, वो इतने ज्यादा कड़वे लग रहे थे। रजनी अनुराग के मजे लेते हुए कहती है, तुम्हें तो अच्छे लगेंगे ना अनुराग, तुम्हारी बीवी ने जो बनाए हैं। बीवी के हाथ का बनाया हुआ खाना हर पति को अच्छा लगता है, उसके खाने की बुराई करके उसे अपना जीना हराम थोड़ी करना है। अनुराग अपनी बात रखते हुए कहता है, चित्रा ने बनाए हैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे तो ये पुखलीन। अनुराग की नजर उसी वक्त युग पर भी पड़ती है और वो देखता है कि युग भी बड़े चाव से पुखलीन खाए जा रहा था। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, चलिए मुझे छोड़िए, युग को ही देख लीजिए, वो कितने अच्छे से खा रहा है पुखलीन, उसके हर एक कौर का स्वाद लेकर। जितना ज्यादा बाकी सब अनुराग को पुखलीन खाते देख हैरान नहीं हुए थे, उससे ज्यादा सब लोग युग को देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि युग बहुत ही अच्छे से एक के बाद एक पुखलीन खाए जा रहा था, जैसे इससे पहले उसने इतने अच्छे पुखलीन कभी ना खाए हो। युग के बगल में ही अमोदिता बैठी हुई थी, जिसने रजनी की तरह ही पुखलीन का एक कौर खाकर वहीं पर थूक दिया था, और वो अभी तक थूक रही थी जैसे उसे पुखलीन बहुत ही ज्यादा कड़वा लगा हो। चित्रा के समझ नहीं आ रहा था वो किसकी बातों पर यकीन करे, इसलिए वो खुद एक पुखलीन उठा लेती है और उसे खाकर देखने लग जाती है। जैसे ही वो एक कौर खाती है वो भी अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है। चित्रा मुंह बनाते हुए कहती है, ये तो सच में बहुत कड़वे हैं, तुम इसे कैसे खा रहे हो अनुराग। अनुराग पुखलीन का एक निवाला खाते हुए कहता है, कैसे क्या चित्रा, मुझे तो सच में ये पुखलीन बहुत अच्छे लग रहे हैं। रजनी झट से बोल पड़ती है, मुझे तो लगता है इससे पहले अनुराग तुम इससे भी ज्यादा कड़वी चीजें खा चुके हो, इसलिए तुम्हें ये मीठे लग रहे हैं। पता नहीं चित्रा ने क्या क्या बनाकर खिलाया तुम्हें। अनुराग कुछ कहता उससे पहले ही चित्रा अनुराग के हाथ से प्लेट छीनते हुए कहती है, इसे मत खाओ अनुराग, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। अनुराग कहता है, नहीं चित्रा कुछ नहीं होगा मुझे, खाने दो भूख लग रही है। चित्रा मना करते हुए कहती है, नहीं अनुराग मत खाओ, मैं कुछ और बनाकर ला देती हूँ तुम्हारे लिए। जानकी भी बोल पड़ती है, हाँ अनुराग मत खाओ इसे, चित्रा सही कह रही है, इतनी कड़वी चीजें नहीं खानी चाहिए। जानकी के कहने पर अनुराग खुद अपनी प्लेट चित्रा को दे देता है। वंदना और चित्रा वहां पर रखी पुखलीन की सारी प्लेटें उठा लेती है और वापस से किचन में ले आती है। किचन के अंदर पहुंचकर भी चित्रा और वंदना के मन को चैन नहीं मिला था, बल्कि पुखलीन कड़वे बनने से उनके मन की बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई थी। चित्रा बड़बड़ाते हुए कहती है, समझ नहीं आ रहा ये पुखलीन इतने कड़वे कैसे बन गए, मैंने तो इसमें इतना सारा गुड़ डाला था ताकि मीठे बने। वंदना कुछ हिचकिचाहट के साथ कहती है, चाची कड़वे तो बनने ही थे ना, आप कैसे भूल सकती है, ये रसोई उस यक्षिणी की है, ये रसोई ही नहीं पूरी ग्रेवयार्ड कोठी, यहाँ की हर एक चीज पर उस यक्षिणी का साया है,
उसकी इजाजत के बिना हम कैसे उसकी रसोई में कुछ चीज बना सकते हैं। मुझे तो लगता है यक्षिणी को बिल्कुल पसंद नहीं आया हमारा यहाँ पर आना, इसलिए ये मीठे पुखलीन इतने कड़वे हो गए। चित्रा वंदना पर कुछ चिढ़ते हुए कहती है, ये तुम क्या बोले जा रही हो वंदना, मुझे तो लगता है गुड़ बहुत पुराना होगा, सड़ गया होगा, हमने डालने से पहले चेक नहीं किया जिस कारण कड़वे पुखलीन बने। वंदना तुरंत पलट कर कहती है, चलिए चाची माना गुड़ खराब हो गया होगा, पर उस हिसाब से तो पुखलीन सबको कड़वे लगने चाहिए थे ना, आपने खुद देखा ना अनुराग चाचा और युग कितने चाव से पुखलीन खा रहे थे, उन्हें तो बहुत मीठे लग रहे थे। जरा सोचिए आखिर क्यों उन्हें ही पुखलीन मीठे लग रहे थे। वंदना की बात सुनकर चित्रा एकदम चुप हो गई थी। चित्रा के पास वंदना के सवाल का कुछ जवाब नहीं था। वंदना अपनी बात पर बने रहते हुए कहती है, चाची मुझे तो लगता है उस यक्षिणी की नजर अनुराग और युग पर है, वो आपसे उन्हें छीनना चाहती है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा, यक्षिणी मुझसे अनुराग और युग को छीनना चाहती है। वंदना अपनी बात पर बने रहते हुए कहती है, और नहीं तो क्या, तभी तो सिर्फ उन्हें वो पुखलीन मीठे लग रहे थे, क्योंकि यक्षिणी नहीं चाहती उन्हें कोई भी तकलीफ हो, वो उनका बुरा नहीं करना चाहती। वंदना चित्रा की आंखों में देखते हुए बड़ी ही भारी आवाज में कहती है, वो तो आपका कुछ बुरा करना चाहती है। पता नहीं चित्रा के मन में क्या आता है, पर वो अगले ही पल वंदना से पूछ बैठती है, तुम कैसे कह सकती हो वंदना कि यक्षिणी मेरा बुरा करना चाहती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। पता नहीं चित्रा के मन में क्या आता है और वो अगले ही पल वंदना से पूछ बैठती है, तुम कैसे कह सकती हो वंदना कि यक्षिणी मेरा बुरा करना चाहती है। वंदना चित्रा के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, इसमें कहने वाली क्या बात है चाची, वो तो दिख ही रहा है, आपको नहीं दिख रहा क्या कि यक्षिणी आपका बुरा चाहती है। चित्रा खामोशी खड़ी रहती है, उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि वंदना उसे क्या समझाना चाहती थी। वंदना अपनी बात चित्रा को अच्छे से समझाते हुए कहती है, चाची आप ही देखिए, जब मैं उस आईने के सामने खड़ी हुई थी तब कुछ नहीं हुआ, पर जब आप उस आईने के सामने खड़ी हुई अपने आप को निहारने लग गई, उसी वक्त वो कांच कुछ अजीब तरीके से टूट गया, और ये पुखलीन इसे भी तो आपने ही बनाया है, देखा जाए तो ये आपकी पहली रसोई थी अपने ससुराल में, और आप जानती है ना एक लड़की के लिए उसकी जिंदगी में उसकी पहली रसोई क्या मायने रखती है। वो यक्षिणी नहीं चाहती थी कि आपके हाथ का बना कुछ भी किसी को पसंद आए। वंदना की बातों ने चित्रा को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया था, वो भी एक पल के लिए डर गई थी। वंदना चित्रा की आंखों में देखते हुए कहती है, चाची मैं आपको एक और सबूत दे सकती हूँ कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। चित्रा एकटक वंदना को देखने लग जाती है। चित्रा की आंखों में देखकर वंदना समझ जाती है कि चित्रा उसकी बात सुनना चाहती थी, वो जानना चाहती थी कि एक और सबूत क्या था। वंदना अपने हाथ में पुखलीन लेते हुए कहती है, जरा इन पुखलीन पर अपनी एक और बार नजर डालिए चाची, ये कितने काले हो गए हैं, इतने काले तो ये कभी गुड़ खराब होने पर भी नहीं होते, कितनी गंदी स्मेल आने लगी है इनमें से, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन पर किसी की बुरी छाया गिरी हो, और मैंने कहा ना वो छाया किसी और की नहीं बल्कि यक्षिणी की है, क्योंकि वही यहाँ पर रहती है। चित्रा देखती है कि सिर्फ वंदना के हाथ का ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद सभी पुखलीन उसी तरह काले पड़ गए थे जैसे सालों से बने रखे हों और अब सड़ गए हों, उनमें से गंदी स्मेल भी आने लग गई थी। वंदना अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, चाची मुझे तो लगता है आपको यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहिए, पता नहीं कब क्या हो जाए वो यक्षिणी कहीं आपको ही कुछ ना कर दे, आप ना हमारे साथ चलिए हवेली, वहीं पर रहिएगा युग के साथ। चित्रा वंदना को मना करते हुए कहती है, मैं ऐसे कैसे तुम्हारे साथ हवेली जा सकती हूँ वंदना, और वैसे भी मैं खुद यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहने वाली, बस एक हफ्ते की बात है फिर मैं युग को लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वंदना कुछ कहती उससे पहले ही चित्रा फिर बोल पड़ती है, और रही यक्षिणी की बात तो मुझे लगता है तुम ना कुछ ज्यादा ही पुराने जमाने की हो, जो इतनी सी बात का कुछ मतलब निकाले जा रही हो, ये सब बस इत्तेफाक है और कुछ नहीं। वंदना पलटकर कुछ कहने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर विराट आ जाता है और वो किचन के अंदर घुसते से ही वंदना से कहता है, चले। वंदना हैरानी के साथ पूछती है, चले पर कहाँ। विराट हंसते हुए कहता है, घर और कहाँ, तुम्हारा इरादा यहीं पर रहने का है क्या वंदना। विराट वंदना की छेड़ करते हुए कहता है, लगता है वंदना चाची के साथ कुछ ज्यादा ही अच्छी दोस्ती हो गई है तुम्हारी। वंदना विराट से सब कुछ छुपाते हुए मुस्कुराहट के साथ कहती है, होगी कैसे नहीं, चाची है ही इतनी अच्छी। विराट जल्दी जल्दी कहता है, चाची अच्छी है वंदना, पर तुम जानती हो ना मेरे पिता कैसे हैं, अब तुम्हारी चाची से बात खत्म हो गई है तो चले हम फिर कभी मिलने आ जाएंगे उनसे,
सुदेश फूफा जी का कॉल आया था, वो बता रहे थे कि वो शहर से निकल चुके हैं, एक आध घंटे में ही हवेली पहुंच जाएंगे। उनसे पहले हमें घर पहुंचना होगा, वरना तुम जानती हो ना क्या होगा। माँ ने तो कह दिया कि वो देख लेगी, पर मैं नहीं चाहता कि माँ और पापा के बीच फिर किसी बात को लेकर अनबन हो। वंदना कहती है, हाँ बाबा हाँ, मैं सब जानती हूँ। वंदना चित्रा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, फिर मुलाकात होगी चाची, अपना ख्याल रखिएगा और संभल कर रहिएगा यहाँ। चित्रा कहती कुछ नहीं, बस एक मुस्कान के साथ हाँ में अपना सिर हिला देती है। चित्रा वंदना के साथ ही किचन से बाहर आती है और बाकी सब से भी बारी बारी मिलते हुए उन्हें अलविदा कह देती है। जितने भी लोग हवेली से आए थे वो सभी जा चुके थे। उन लोगों के जाते ही चित्रा मन ही मन सोचने लग जाती है कि वो अनुराग को वंदना और उसके बीच क्या बातें हुई, उस बारे में बताए या नहीं बताए। पर चित्रा को वंदना की बातें फिजूल ही लगती हैं, इसलिए वो अनुराग को कुछ नहीं बताती है। पर कई सारे ऐसे सवाल थे जो चित्रा के मन में पनाह ले चुके थे और उन्हें पूछे बिना चित्रा नहीं रह पाती है, और आखिर में वो अनुराग से पूछ ही बैठती है। चित्रा अनुराग से कहती है, अनुराग मुझे तुमसे कुछ पूछना था। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, हाँ चित्रा पूछो ना, क्या पूछना है। चित्रा कुछ सीरियस होते हुए कहती है, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, क्या नहीं बताया। चित्रा कहती है, यही कि तुम्हारा यहाँ पर एक परिवार भी है। अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, सच तो यह है चित्रा, मुझे भी आज ही पता चला कि यहाँ पर मेरा एक परिवार भी है। चित्रा हैरानी के साथ कहती है, मतलब। अनुराग कहता है, मतलब यही समझ जाओ चित्रा कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे वो मुझसे नहीं, तुमसे और युग से मिलने आए थे। तुम दोनों से रिश्ता जोड़ने आए थे, मेरे रिश्ते तो इनसे काफी पहले ही टूट चुके हैं। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, अनुराग तुम क्या कह रहे हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अनुराग चित्रा को सब कुछ बता देता है कि उसके पिता के गुजरने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ था, किस तरह उसके और दिलीप के झगड़े बढ़े थे और अंत में उसे गांव छोड़ना पड़ा था। वो बस चित्रा को ये बात नहीं बताता है कि वो और दिलीप सगे भाई नहीं है, बाकी सब बता देता है। सारी बात सुनने के बाद चित्रा को एहसास होता है कि अनुराग ने कितना कुछ सहा था अपनी जिंदगी में और अभी भी सहे जा रहा था। वक्त बीतते जा रहा था, एक हफ्ता कैसे एक महीने में बदल गया चित्रा को पता ही नहीं चला। चित्रा को लगा था कि यदि युग एक हफ्ते अनुराग के साथ रहेगा तो उसके बाद खुद युग का अनुराग के प्रति प्यार कम हो जाएगा और वो युग को फिर आसानी से शहर ले जाएगी, पर सच तो ये था कि युग का प्यार अनुराग के प्रति वक्त के साथ और बढ़ते गया। जिससे हम प्यार करते हैं उससे कभी बोर नहीं होते हैं, बल्कि उसके साथ हमारा लगाव बढ़ते जाता है, और युग के साथ भी यही हुआ। युग को अनुराग से इतना लगाव हो गया कि वो एक पल भी उससे दूर नहीं रहता था, उसके पास ही बैठा रहता था। चित्रा समझ गई थी कि अगर वो युग को फिर शहर लेकर गई तो शायद युग उससे नफरत करने लग जाए। युग को लगेगा कि चित्रा उसे उसके पिता से अलग करना चाहती है, और चित्रा ऐसा कभी नहीं चाहती थी। इसलिए चित्रा ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जो शायद वो कभी खुद की मर्जी से नहीं लेना चाहती थी। उसने ग्रेवयार्ड कोठी में ही रहने का फैसला कर लिया। चित्रा ने अपना सारा सामान ग्रेवयार्ड कोठी में ही शिफ्ट करवा दिया और वो वहीं से काम करने लग गई। वो ग्रेवयार्ड कोठी में रहकर ही पेंटिंग करती और उसे एग्जीबिशन के लिए शहर भेजती थी, जहां पर उसके सहकर्मी उसकी पेंटिंग को लगा देते। उसका पूरा काम गांव से ही होने लग गया था। चित्रा ने नोटिस किया कि युग अपना आधे से ज्यादा वक्त खेलने कूदने में बिता देता था। चित्रा नहीं चाहती थी कि युग का आने वाला भविष्य खराब हो और वो अपनी जिंदगी में पीछे रह जाए, इसलिए उसने उसका एडमिशन गांव के ही स्कूल में करवा दिया था। स्कूल में ही युग की मुलाकात अभिमन्यु, कायर, कछुआ और बिंदु से हुई, जहां पर वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। युग का सबसे अच्छा दोस्त जो बना वो अभिमन्यु था। वो बचपन से ही हर मुश्किल में उसका साथ दिया करता था। इस एक महीने के अंदर एक रात ऐसी थी जिस रात अनुराग बहुत परेशान तो था ही, पर साथ में काफी डरा हुआ भी था, और वो रात थी अमावस्या की। वादे के मुताबिक अनुराग को अमावस्या की रात मोहित को लाल हीरा वापस तो करना ही था, साथ में उसे यक्षिणी से भी मिलवाना था। अनुराग जानता था कि यक्षिणी शिकार करने के लिए घाट पर जरूर आएगी, इसलिए रात होते ही जब चित्रा युग सो गए तो वो चुपके से घाट पर चला गया। पर जब वो वहां पर पहुंचा तो उसे वहां पर मोहित नहीं मिला। वो मोहित का इंतजार करते रहा पर मोहित वहां नहीं आया। असल में मोहित की वहां पर ना आने की वजह ये थी कि रतन पाली ने उसे गांव में अभी आने से मना किया था, क्योंकि दिलीप का शक उस पर ही था। दिलीप अच्छे से ये बात जानता था कि उसने ही बातों बातों में रतन पाली को बताया था कि वो अपना सारा पैसा अपनी अलमारी की तिजोरी में रखता था। रतन पाली नहीं चाहता था कि मोहित वापस आए और दिलीप उससे कुछ पूछे, क्योंकि मोहित कभी भी अपनी जुबान खोल सकता था। वो एक नंबर का डरपोक और शराबी इंसान था।
मोहित को भी रतनपाली की बात माननी पड़ी, क्योंकि रतनपाली ने उसे फोन पर ही धमकी दे दी थी कि अगर उसकी मर्जी के बिना उसने गांव में कदम भी रखा तो उसे वो अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर देगा। और मोहित ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसने शहर में रहना ही मुनासिब समझा, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि वो जब भी वापस आएगा तो अमावस्या की रात अनुराग से उसका हीरा ले ही लेगा। अनुराग कहीं नहीं जाने वाला, आखिर उसने उससे वादा किया था। अनुराग अमावस्या की उस रात सिर्फ मोहित का ही नहीं बल्कि यक्षिणी का भी इंतजार कर रहा था। पर उस अमावस्या की रात न मोहित आया न यक्षिणी। मोहित का तो अनुराग समझ गया था कि वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा जिस कारण वो नहीं आ पाया, पर यक्षिणी वो क्यों नहीं आई थी आखिर अपना शिकार करने, यही अनुराग की समझ नहीं आ रहा था। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब मोहित और यक्षिणी नहीं आए तो अनुराग सुबह होने से पहले ही ग्रेवयार्ड कोठी वापस चला गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि चित्रा को पता चले कि वो सारी रात कोठी के बाहर था। वो उसके और चित्रा के बीच झगड़े की फिर एक वजह नहीं पैदा करना चाहता था। अमावस्या की अगली सुबह जब अनुराग की नींद खुली तो उसे एक ऐसी खबर मिली जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए थे। उसे पता चला कि यक्षिणी ने फिर गांव के किसी मर्द का शिकार किया था, पर इस बार घाट पर उस मर्द की लाश नहीं मिली थी, बस खून से सने हुए कपड़े मिले थे। गांव वाले समझ गए थे कि यक्षिणी अपने सबसे ज्यादा रौद्र रूप में थी, इसी वजह से वो मर्द की लाश तक को नहीं छोड़ रही थी। पहले तो वो बस मर्दों का दिल खाती थी, पर अब तो पूरी लाश खाने लग गई थी। उस अमावस्या की रात के बाद अनुराग समझ गया कि यक्षिणी उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी, तभी उसके सामने नहीं आई थी। वो समझ गया था कि यक्षिणी की बात ना मानकर उसने एक ऐसी गलती कर दी थी जिसके लिए यक्षिणी उसे कभी माफ नहीं करने वाली थी। 2 महीने बीत गए थे और जैसे जैसे वक्त बीतता गया अनुराग ने उस अमावस्या की रात को भी भुला दिया। भुलाता भी कैसे नहीं, आखिर उसे उसकी पत्नी चित्रा और बेटे युग का साथ जो मिल गया था। जब आपको आपके अपनों का साथ मिल जाता है तो आप सारे गमों को भुला देते हैं। अनुराग तो पहले से ही चाहता था कि वो अपने परिवार के साथ रहे। इस दुनिया में सबसे अच्छा सुकून जो मिलता है वो परिवार वालों के साथ ही मिलता है, और अनुराग को भी वही मिल रहा था। अनुराग बहुत खुश रहने लग गया था, और जब इंसान को खुशियां मिल जाती है तो वो पीना भी छोड़ देता है, और अनुराग ने भी वही किया था। जब से युग और चित्रा वहां पर रहने लगे थे उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। अनुराग युग के साथ खेलने में इतना लगा हुआ रहता था कि उसका कहानी लिखने में मन ही नहीं लगता था। परिवार की खुशी मिलने के कारण वो अपनी कहानी को भूल सा गया था। सिर्फ अनुराग ही नहीं, चित्रा भी बहुत खुश थी वहां रहकर। वो खुश रहती भी कैसे नहीं, आखिर उसे उसकी पेंटिंग करने के लिए एक बड़ा सा कमरा जो मिल गया था। चित्रा ने ग्रेवयार्ड कोठी के ही एक कमरे को अपनी पेंटिंग वर्क के लिए चुन लिया था, जहां पर रहकर वो पेंटिंग करती थी। चित्रा के खुश रहने की एक और वजह थी, वो ये थी कि उसे 2 नए दोस्त मिल गए थे, जिनमें पहली तो वंदना थी जो कभी कभी विराट के साथ उससे मिलने के लिए आ जाया करती थी। चित्रा का दूसरा जो दोस्त था वो कोई और नहीं बल्कि प्रशांत था। चाय के स्टॉल पर पहली मुलाकात के बाद प्रशांत ग्रेवयार्ड कोठी आया था अनुराग से मिलने के लिए। उसी वक्त उसकी चित्रा से अच्छी दोस्ती भी हो गई थी, और ये दोस्ती वक्त के साथ बढ़ते जा रही थी। चित्रा के आने के बाद से ही प्रशांत का ग्रेवयार्ड कोठी आना जाना बढ़ गया था। वो रह रहकर ग्रेवयार्ड कोठी आ जाया करता था, जो अनुराग को बहुत अजीब लगता था। कभी प्रशांत चित्रा से हंस हंस कर बातें करता था, तो कभी उसके हाथों से बने खाने की तारीफ करता था। कभी कभी तो वो अनुराग के सामने ही चित्रा की खूबसूरती की तारीफ कर दिया करता था, पर अनुराग सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया करता था। पर एक दिन अनुराग ने चित्रा और प्रशांत को कुछ इस तरह देखा कि वो उस हादसे को नजरअंदाज नहीं कर पाया। उस हादसे के बाद चित्रा तो अनुराग के दिल से उतरी ही, साथ में प्रशांत के लिए भी नफरत पैदा हो गई। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। एक दिन अनुराग ने चित्रा और प्रशांत को कुछ इस तरह देखा कि वो उस हादसे को नजरअंदाज नहीं कर पाया। उस हादसे के बाद चित्रा तो अनुराग के दिल से उतरी ही, साथ में प्रशांत के लिए भी नफरत पैदा हो गई। अनुराग अपने कमरे के अंदर था और विश्वास पाटिल की किताब चंद्रमुखी पढ़ रहा था, तभी उस कमरे में चित्रा आती है और वो कमरे के अंदर घुसते ही अनुराग से बोल पड़ती है, अनुराग तुम अभी तक गए नहीं? अनुराग चित्रा के सवाल का जवाब नहीं देता है, कहानी पढ़ते रहता है। उसका पूरा ध्यान किताब में ही था।
वो बड़े ही लगन के साथ किताबें पढ़े जा रहा था। जब अनुराग चित्रा की बात का कुछ जवाब नहीं देता है तो चित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत अनुराग के पास जाती है और उसके हाथ से किताब छीनते हुए कहती है, अनुराग मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है क्या? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, ये क्या हरकत है चित्रा, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ? ऐसे कोई किसी को परेशान करता है क्या? चित्रा पलट कर कहती है, क्या कहा अनुराग तुमने? मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ कि तुम मुझे परेशान करते रहते हो अपनी हरकतों से? तुम अभी तक गए क्यों नहीं? अनुराग चिढ़ते हुए कहता है, ये तुमने आते से ही क्या लगा रखा है चित्रा, गए नहीं। तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो चित्रा, मुझे कहाँ जाना था? चित्रा झट से पलट कर जवाब देती है, युग को लेने अनुराग और कहाँ, जरा घड़ी में वक्त तो देखो, 12 बज गए हैं, उसके स्कूल की छुट्टी हो गई होगी, वो तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा होगा, तुम्हें पता है ना वो अभी छोटा है, अकेले नदी पार नहीं कर सकता। अनुराग अपने सिर पर हाथ रखते हुए अपनी गलती को समझते हुए कहता है, अरे 12 बज गए, मुझे तो कहानी पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला। चित्रा अनुराग को फिर ताना देते हुए कहती है, वही तो अनुराग, तुम कहानियों में इतना खो जाते हो कि सब कुछ भूल जाते हो। एक काम दिया था कि युग को वक्त पर स्कूल से लेकर आना है, पर तुमसे तो वो तक सही से नहीं हो रहा। अनुराग पलट कर कहता है, चित्रा मैं भूल गया तो क्या हुआ, तुम भी तो युग को लेने जा सकती हो ना? चित्रा और ज्यादा तीखी आवाज में कहती है, अब सारे काम मैं ही करूं, है ना अनुराग? युग को स्कूल छोड़ने भी मैं ही जाऊं और लेने भी मैं ही जाऊं और वापस आकर घर का सारा काम भी मैं ही करूं, और तुम क्या करोगे, यहां पर बैठकर किताबें पढ़ते रहोगे, तुम्हारे पास और काम ही क्या है? अनुराग खामोश रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। चित्रा फिर बोल पड़ती है, अनुराग तुम भूलो मत, घर के काम करने के अलावा मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, पेंटिंग करनी पड़ती है, उसी से ये घर चलता है, तुम्हारी किताबों से नहीं। पता नहीं कब पूरी होगी तुम्हारी किताब, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे भी और तुम्हारी कहानियों से भी। अनुराग मायूसी के साथ कहता है, बस करो चित्रा, हर वक्त मुझे और मेरी कहानियों को ताने देते रहना जरूरी है क्या? तुम यही बात प्यार से भी तो बोल सकती हो ना? चित्रा फिर तीखे स्वर में कहती है, प्यार से कही हुई बात तुम्हारे पल्ले कहाँ पड़ती है अनुराग, वो तो तुम्हारे सिर के ऊपर से निकल जाती है, तुम्हें मेरी तानों से भरी बात ही तो समझ में आती है। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, बस करो चित्रा, मुझे ना तुमसे झगड़ा नहीं करना है, जा रहा हूँ मैं युग को लेने, वो बेचारा इंतजार कर रहा होगा मेरा। इतना कहकर अनुराग कुर्सी पर से उठता है और वहां से जाने लग जाता है। अभी अनुराग उस कमरे के दरवाजे तक ही पहुंचा था कि तभी चित्रा उसे टोकते हुए कहती है, तुम वापस कितनी देर में आओगे अनुराग? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, आ जाऊंगा चित्रा, पहले जाने तो दो, वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो कि मैं कब वापस आऊंगा? चित्रा अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि अनुराग मुझे ना पेंटिंग करना है, एक प्रोजेक्ट आया है और युग के आने के बाद मुझे उसके लिए खाने के लिए गर्मा गर्म कुछ बनाना पड़ता है, मैं नहीं चाहती कि जब मैं पेंटिंग करने बैठूं तो कोई मुझे डिस्टर्ब करे, इसलिए पूछ रही हूं ताकि अपना टाइम मैनेज कर सकूं। तुम्हारे पास तो वक्त ही वक्त होगा, तुम्हें क्या पता टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तुम्हारी जिंदगी तो खुद एक टाइम पास है। अनुराग मायूसी के साथ कहता है, बस करो चित्रा, तुम्हें तो बस बहाने चाहिए होते हैं मुझे ताने देने के। चित्रा फिर पलट कर कहती है, बहाने का क्या अनुराग, तुम काम ही ऐसे करते हो कि मुझे ताने देने पड़ते हैं। सॉरी, तुम काम ही कहाँ करते हो, कोई दिन भर तो कुर्सी पर बैठे रहते हो, इसलिए मुझे ताने देने पड़ते हैं ताकि तुम कुछ काम करो, पर तुम्हारे ऊपर मेरे तानों का असर होता कहाँ है? अनुराग जानता था पलट कर कुछ भी कहना बेकार है, इसलिए वो बिना कुछ कहे लटका हुआ चेहरा लेकर वहां से जाने लग जाता है। चित्रा फिर अनुराग को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे जाने से पहले बता तो दो अनुराग की कितनी देर में लौटोगे। अनुराग चलते चलते ही कहता है, आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, कल बारिश हुई थी ना तो नदी में अभी तक बहाव तेज है, तो युग को नदी पार करवाने में वक्त लगेगा। इतना कहकर अनुराग वहां से चले जाता है। चित्रा खुद से बड़बड़ाती है, इन्हें तो एक घंटा लगेगा, मतलब अभी काफी वक्त है, तब तक काम शुरू कर देती हूँ। इतना कहकर चित्रा भी अपने पेंटिंग रूम में चली जाती है और पेंटिंग करना शुरू कर देती है। इस तरफ रोंकामुचा गांव के स्कूल के ग्राउंड में युग अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो सब मेघालय का तीरंदाजी के बाद आने वाला सबसे पारंपरिक खेल वापुंगशाला खेल रहे थे। वापुंगशाला का मतलब होता है ताकत का कप। इस खेल के अंदर दो लोग बांस के किनारे को एक एक साइड से पकड़ते हैं और बांस पर जोर आजमाते हुए एक दूसरे को गोले से बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। जो गोले से बाहर हो जाता है वो हार जाता है और जो गोले के अंदर ही बना रहता है वो जीत जाता है। इस वक्त वापुंगशाला किसी और के नहीं बल्कि कछुआ और अभिमन्यु के बीच हो रहा था।
दोनों ही एक गोले के अंदर खड़े हुए थे। दोनों ने एक बांस का एक एक किनारा पकड़ कर रखा हुआ था और वो दोनों ही एक दूसरे को गोले से बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। बाकी सब गोले के बाहर खड़े हुए थे। कायर कछुए को सपोर्ट कर रहा था तो योग अभिमन्यु को, और बिंदु देख रही थी कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। कायर कछुए को सपोर्ट करते हुए कहता है, अरे कछुए क्या कर रहा है, जोर लगा, जोर जोर लगा, आज खाना नहीं खाया क्या? कछुआ अभिमन्यु को बांस से दूसरी तरफ धक्का देते हुए कहता है, यार लगा तो रहा हूं और कितना लगाऊं। युग अभिमन्यु को सपोर्ट करते हुए कहता है, बस अभिमन्यु तू जीतने ही वाला है, थोड़ी ताकत और लगा, कम ऑन अभिमन्यु, कम ऑन। अभिमन्यु और कछुआ एक दूसरे की तरफ बांस को ढकेल ही रहे थे कि तभी कछुए की पैंट खुलने लग जाती है। कछुआ अपने एक हाथ से पैंट संभालते हुए कहता है, अरे ये क्या हो रहा है? बिंदु हंसते हुए कहती है, दिख नहीं रहा तेरी पैंट खुल रही है और क्या हो रहा है? कायर कछुए पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुझे कहा था ना बेल्ट पहन कर आए कर, पर कछुए। देखते ही देखते कछुए की पैंट नीचे सरकने लग जाती है और वो अपनी लाज बचाने के लिए एक हाथ से अपनी पैंट को पकड़ लेता है। उसी वक्त अभिमन्यु मौके का फायदा उठाते हुए हल्की सी ताकत और लगा देता है, जिस कारण कछुआ धड़ाधड़ गोले से बाहर हो जाता है और बाहर जाते ही धड़ाम से गिर जाता है। नीचे गिरने के साथ ही कछुए की पैंट भी खुल जाती है और सब लोग खिलखिलाकर हंसने लग जाते हैं। अभिमन्यु के जीतते ही युग उसकी जीत का जश्न बनाते हुए अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए कहता है, ये अभिमन्यु जीत गया, मेरा दोस्त जीत गया। युग बार बार यही बोले जा रहा था, जीत गया मेरा दोस्त जीत गया। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर साफ समझा जा सकता था कि युग को अभिमन्यु के जीतने की सबसे ज्यादा खुशी थी। कछुआ उठते हुए मुंह बनाते हुए युग से कहता है, तू इतना खुश क्यों हो रहा है युग, तू भी तो हार गया था अभिमन्यु से। कायर भी कछुए का साथ देते हुए कहता है, हाँ युग इतना भी खुश मत हो, अभिमन्यु जीता है तू नहीं। युग सबको खामोश करते हुए कहता है, मैं ही तो जीता हूँ कायर, अभिमन्यु मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, तो उसकी जीत में ही मेरी जीत हुई ना। अभिमन्यु भी युग का साथ देते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, मेरी नहीं मेरे दोस्त युग की ही जीत हुई है, वही जीता है, समझे तुम दोनों। कछुआ अपना पैंट सही करते हुए कहता है, हाँ हाँ मना लो खुशी, वो तो मेरी पैंट खिसकने लग गई, वरना जीत तो मेरी ही होती। बिंदु झट से हंसते हुए बोल पड़ती है, कम तो बहाने दे कछुए, तेरे पास ना हमेशा कोई ना कोई हार का बहाना रहता है, बस तू कभी ये मत मान कि तू हार गया है। कछुआ पलट कर कुछ कहता उससे पहले ही कायर बोल पड़ता है, तूने नाक कटा दी मेरी। कछुआ झट से बोल पड़ता है, क्या कहा, मैंने नाक कटा दी, मैंने नाक कटाई कि तूने, भूल मत तू 3 बार हार कर बैठ चुका है अभिमन्यु से। कायर भी बहाना देते हुए कहता है, अरे वो तो आज मैं अपने जूते पहन कर नहीं आया, वरना अभिमन्यु तो मुझे कभी हरा ही नहीं पाता। बिंदु तुरंत बोल पड़ती है, तुम दोनों के पास ना कोई बहाना हमेशा रहता है, दोनों एक ही जैसे हो। कायर कछुए के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, एक जैसे कैसे नहीं होंगे, हम दोनों चड्डी बड्डी जो दोस्त हैं। कायर की इस बात पर बिंदु झट से खिलखिलाकर हंस देती है। कछुआ कहता है, यार चले अब बहुत खेल लिया, मुझे बहुत भूख लगी है, दादी इंतजार कर रही होगी मेरा घर पर। अभिमन्यु कहता है, अभी कैसे जा सकते हैं, युग के पापा को तो आने दो, उसी के बाद तो जाएंगे। युग खुद परेशान होते हुए कहता है, पता नहीं कहाँ रह गए पापा, आज जरूर फिर कोई किताब पढ़ने बैठ गए होंगे। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, पता नहीं यार इसके पापा कब आएंगे, इसे यहीं पर रहने देते हैं ना, इसके पापा आएंगे और इसे ले जाएंगे। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं नहीं हम युग को अकेला नहीं छोड़ सकते, युग दोस्त है हमारा और दोस्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। अगले ही पल अभिमन्यु अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, तुम सब वादा करो कि हम कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिमन्यु के इतना कहते ही युग तुरंत अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ पर रखते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं कभी अपने दोस्तों को अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा उनका साथ दूंगा। बिंदु भी युग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहती है, मैं भी वादा करती हूँ। बिंदु के हाथ रखते ही कायर भी उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है और उसी के साथ कछुआ भी अपना हाथ रख देता है। पांचों दोस्त एक साथ एक स्वर में कहते हैं, हम वादा करते हैं हम कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। उन पांचों की आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है। जैसे ही आवाज का शोर कुछ कम होता है अनुराग की आवाज सुनाई देती है, युग बेटा। जब युग पीछे मुड़ता है तो देखे उसके पीछे कोई और नहीं अनुराग खड़ा हुआ था। अनुराग को देखते ही युग सीधे जाकर उसके गले लिपट जाता है।
युग के सभी दोस्त अनुराग को नमस्ते करने लग जाते हैं। अनुराग जानता था कि अभिमन्यु, कायर और कछुआ रोंकामुचा गांव में ही रहते थे, बस बिंदु बंगलामुड़ा गांव में रहती थी। वो नोटिस करता है कि बिंदु को लेने के लिए कोई नहीं आया था। अनुराग तुरंत बिंदु से पूछ पड़ता है, बिंदु तुम्हें लेने आज कोई नहीं आया क्या? बिंदु कहती है, अंकल पापा आते ही होंगे, कभी कभी उन्हें देर हो जाती है, दुकान पर ज्यादा ग्राहक होते हैं तो। अनुराग कहता है, अच्छा तो एक काम करो, तुम हमारे ही साथ चलो, हमें भी तो उधर ही साइड जाना है। बिंदु कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, पर अंकल अगर पापा यहाँ आए और मैं उन्हें नहीं मिली तो वो परेशान होंगे। अनुराग बड़े प्यार से कहता है, वो परेशान नहीं होंगे बिंदु बेटा, वो उसी रास्ते से तो आएंगे ना जिससे हम जाएंगे। मैं तो फोन करके उन्हें बता देता पर जल्दी जल्दी मैं अपना मोबाइल भी घर पर ही भूल गया हूँ। बिंदु कुछ कहती है उससे पहले ही युग बोल पड़ता है, हाँ बिंदु तुम भी चलो ना हमारे साथ, हम रास्ते में टॉफी भी खाएंगे, बड़ा मजा आएगा। बिंदु युग को मना नहीं कर पाती है और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। अभिमन्यु, कायर, कछुआ भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बिंदु को उसके घर तक छोड़ने के कारण अनुराग को ग्रेवयार्ड कोठी जाने में और भी ज्यादा देर हो जाती है। अनुराग ने युग का बैग अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वो युग का हाथ पकड़े हुए था। दोनों ही ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे के पास पहुंच गए थे। अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के गेट को देखते हुए कहता है, ये चित्रा भी ना बड़ी लापरवाह है, बताओ घर का गेट कोई ऐसे खुला रखता है क्या? इतना कहकर अनुराग ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसता है और धीरे से गेट लगा देता है। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा आप अपने कमरे में जाओ और चेंज कर लो, जब तक मैं तुम्हारा लंच बॉक्स धोकर रख देता हूँ, वरना तुम्हारी माँ फिर कहेगी कि मैं एक काम नहीं करता। युग धीरे से हंसता है और सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में जाने लग जाता है। अनुराग युग के बैग से उसका लंच बॉक्स और बॉटल निकालता है और उसे रखने के लिए किचन की तरफ जाने लग जाता है। जैसे ही अनुराग किचन में पहुंचता है तो वो कुछ ऐसा देखता है कि उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी जिंदगी एक पल में तहस नहस हो जाती है। वो देखता है कि किचन के अंदर चित्रा के साथ आपत्तिजनक स्थिति में प्रशांत खड़ा हुआ था। चित्रा की साड़ी का पल्लू नीचे गिरा हुआ था, उसके उभरे हुए वक्ष साफ दिख रहे थे। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे चित्रा प्रशांत के सामने अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हो और प्रशांत भी उसके हुस्न को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया हो। प्रशांत की नजर चित्रा के बदन से हटी नहीं रही थी, चित्रा भी उसे ही देखे जा रही थी। उसी वक्त चित्रा को फर्श पर किसी की परछाई नजर आती है और जब वो दरवाजे की तरफ नजरें करती है तो देखती है कि दरवाजे पर अनुराग खड़ा हुआ था। अनुराग को देखकर चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ चित्रा ही नहीं बल्कि प्रशांत के भी दोनों हाथ पैर डर से कांपने लग जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। उसी वक्त चित्रा को फर्श पर किसी की परछाई नजर आती है और जब वो दरवाजे की तरफ नजरें करती है तो देखती है कि दरवाजे पर अनुराग खड़ा हुआ था। अनुराग को देखकर चित्रा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सिर्फ चित्रा ही नहीं बल्कि प्रशांत के भी दोनों के हाथ पैर डर से कांपने लग जाते हैं। अनुराग को दरवाजे पर अचानक से देखकर चित्रा जल्दी से फर्श पर से अपने साड़ी का पल्लू उठाती है और उसे अपने बदन पर वापस से लपेटने लग जाती है। चित्रा इतनी बौखलाई हुई थी कि उसके हाथ से वापस से साड़ी का पल्लू नीचे गिर जाता है। प्रशांत भी चित्रा के बदन से अपनी नजरें हटा लेता है और अगल बगल देखने लग जाता है जैसे वो खुद पर शर्मिंदा हो। चित्रा कुछ ही देर में अपने बदन पर वापस से साड़ी लपेट लेती है और अनुराग से रूबरू होते हुए हकलाते हुए कहती है, अनुराग तुम आ गए? अनुराग चित्रा की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, बस उसे गुस्से से घूरते रहता है। प्रशांत चित्रा से अपनी नजरें बचाते हुए कहता है, अच्छा भाभी अब मैं निकलता हूँ, मुझे बिंदु को भी लेने स्कूल जाना है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना कहकर प्रशांत वहां से जाने लग जाता है। प्रशांत वहां से जा ही रहा था कि उसी वक्त अनुराग प्रशांत का हाथ पकड़ते हुए कहता है, बिंदु को लेने जाने की कोई जरूरत नहीं है प्रशांत, मैं बिंदु को घर छोड़कर आ चुका हूँ। प्रशांत अपने माथे पर का पसीना पोंछते हुए कहता है, तुमने छोड़ दिया बिंदु को घर? ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। अनुराग प्रशांत को गुस्से से घूरते हुए कहता है, तुम यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हो प्रशांत, वो भी मेरी गैर हाजिरी में? प्रशांत हिचकिचाहट के साथ वहां पर रखे गैस सिलेंडर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो मैं सिलेंडर लेकर आया था। अनुराग अभी भी भारी आवाज में प्रशांत को घूरते हुए कहता है, तुमने ये धंधा कब से शुरू कर दिया प्रशांत, तुम्हारी तो चाय नाश्ते की दुकान है ना? प्रशांत इस बात को मजाक में टालने के लिए हंसने की झूठी ही कोशिश करते हुए कहता है,
कोई धंधा शुरू नहीं किया अनुराग, वो क्या है ना, भाभी का कॉल आया था तो उन्होंने कहा कि सिलेंडर खत्म हो गया है, तो बस मैं बाजार में ही था तो वहीं से लेकर आ गया। प्रशांत की ये बात बोलते ही पहले तो अनुराग चित्रा को गुस्से के साथ घूरने लग जाता है, पर फिर अगले ही पल फिर प्रशांत से गुस्से में ही कहता है, मेरे घर के काम मैं खुद कर लूंगा प्रशांत, तुम अपने घर के कामों पर ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा है। दुकान पर पावली भाभी इंतजार कर रही है तुम्हारा, काफी ग्राहक है वहां पर। प्रशांत बौखलाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ पावली का कॉल आया था, मैं बस सिलेंडर लगा के जा ही रहा था, वो क्या है ना रेगुलेटर कुछ ज्यादा ही टाइट था, मैंने सोचा मैं ही लगा देता हूँ, भाभी कहाँ लगाती बैठेगी और तुम थे नहीं यहाँ पर। अनुराग प्रशांत और चित्रा को टोंट मारने के अंदाज में कहता है, बताओ रेगुलेटर टाइट आ रहे हैं और किसी का चरित्र ढीला होता जा रहा है, वो गिरते जा रहा है। अनुराग की ये बात बोलते ही प्रशांत और चित्रा दोनों अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, रेगुलेटर लगाकर जाने का इरादा था या कुछ और करके जाने का इरादा था तुम्हारा? अनुराग की बात सुनकर प्रशांत समझ गया था कि मामला बहुत बिगड़ चुका था और एक पल भी उसका वहां रहना खतरे से खाली नहीं था। प्रशांत अनुराग से अपनी नजरें चुराते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अच्छा अब मैं चलता हूँ, पावली परेशान और योगी अकेले। इतना कहकर प्रशांत बिना अनुराग के जवाब का इंतजार किए वहां से चला जाता है। जाने से पहले वो एक बार भी चित्रा की तरफ देखता तक नहीं है। कुछ देर तक तो अनुराग और चित्रा के बीच खामोशी छाई रहती है, पर फिर अगले ही पल अनुराग उस खामोशी को तोड़ते हुए चित्रा से रूबरू होते हुए कहता है, अब मुझे पता चला कि क्यों तुम मुझसे जाने से पहले पूछ रही थी कि तुम्हें आने में कितना वक्त लगेगा, ताकि तुम किसी और को वक्त दे सको, है ना चित्रा? चित्रा अनुराग को समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो अनुराग जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अनुराग अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लाते हुए कहता है, मैंने तो अभी कुछ समझा ही नहीं है चित्रा, तुम ही मुझे समझा रही हो। चित्रा पलट कर कहती है, मुझे पता है अनुराग तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने कहा ना जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। अनुराग नम आंखों के साथ कहता है, इसमें सोचने समझने वाली क्या बात है चित्रा, सब कुछ तो खुद मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। चित्रा नम लहजे के साथ कहती है, कभी कभी जो हमें दिखता है वो सच नहीं होता है अनुराग, हमारी आंखें धोखा भी खा सकती है। अनुराग पलट कर कहता है, और कितने धोखे खाऊंगा चित्रा, मैं आज तक धोखे में ही तो था, आंख तो आज मेरी खुली है। चित्रा अनुराग को फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो अनुराग तुम गलत समझ रहे हो, वो सिलेंडर खत्म हो गया था तो मैंने बस प्रशांत को फोन करके दूसरा सिलेंडर लाने बोल दिया था, वही कहता रहता था ना भाभी कभी कोई काम हो तो याद करना, तो बस कर लिया मैंने याद। अनुराग चित्रा को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहता है, हाँ वो तो दिखाई मुझे चित्रा की किस तरह तुमने उसे याद किया, वो सिलेंडर लगाने के साथ क्या क्या कर रहा था। चित्रा झट से कहती है, अनुराग। चित्रा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए कहता है, सिलेंडर मैं भी लाकर दे सकता था चित्रा। चित्रा पलट कर कहती है, तुम कैसे लाकर दे सकते थे अनुराग, तुम तो युग को लेने गए थे ना। अनुराग गुस्से के साथ कहता है, उसे लेने के लिए भी तो तुमने ही भेजा था ना, वो भी झगड़ा करके। चित्रा परेशान होते हुए कहती है, अनुराग तुम समझ नहीं रहे हो मेरी बात, वो हुआ यूं ना कि तुम गए तो मैं पहले पेंटिंग करने बैठ गई, फिर मुझे याद आया सिलेंडर तो चाय बनाते वक्त ही खत्म हो गया था, तुम मोबाइल यहीं भूल गए थे वरना तुम्हें कॉल करके बता देती, तुम कब आते कब सिलेंडर भरवाते कब मैं खाना बनाती कब पेंटिंग करती, इसलिए प्रशांत को बोल दिया मैंने। अनुराग चित्रा को घूरते हुए कहता है, अच्छी कहानी बना लेती हो चित्रा तुम भी। चित्रा कहती है, कहानी नहीं बना रही हूँ अनुराग, सच कह रही हूँ। अनुराग कहता है, अगर तुम सच कहती ना चित्रा तो तुम्हारी आंखों में डर नहीं होता आज, ना उस प्रशांत की आंखों में होता मुझे देखकर। तुम दोनों इतना घबरा क्यों गए थे, कांपने क्यों लग गए थे तुम दोनों के हाथ पैर इस तरह। चित्रा कुछ देर रुककर हिचकिचाहट के साथ कहती है, अनुराग कौन? चित्रा ने इतना कहा ही था कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है, अगर अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो तो बता दो चित्रा। अनुराग की बातें सुनकर चित्रा की आंखें भी नम हो गई थी। चित्रा भी नम आंखों के साथ कहती है, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अनुराग, तुम कैसे भूल सकते हो मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुमसे प्यार करती थी तभी तो मैंने तुमसे शादी करी थी। अनुराग नम आंखों के साथ ही पलट कर कहता है, वही तो चित्रा प्यार करती थी, पर जब रिश्तों में कड़वाहटें आने लग जाती हैं, दरारें पड़ने लग जाती हैं, और वही प्यार नफरत में बदल जाता है, वही रिश्ते जंजीरों में बदल जाते हैं, हम अपने आप को बेड़ियों में लिपटा हुआ महसूस करने लग जाते हैं, इसलिए हमें उन बेड़ियों को तोड़ देना चाहिए, ना कि किसी को धोखे में रखना चाहिए। चित्रा रोती रहती है, पलटकर कुछ नहीं कहती है। अनुराग फिर बोल पड़ता है, वैसे भी अब तुम मुझसे प्यार करोगी ही क्यों, अब मैं वो अनुराग थोड़ी हूँ जिसमें सारी दुनिया को जीतने का जज्बा था, मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ जिसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस एक पत्नी थी जिसे वो खो चुका है,
देखो चित्रा, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चले जाओ, बस मुझे धोखे में मत रखो, चित्रा अपने आंसू पोंछते हुए कहती है। अनुराग, अगर मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही होता ना तो कब की जा चुकी होती, पर सच तो यह है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए अनुराग, हमेशा तुमने मुझे गलत ही समझा है और आज भी वही समझ रहे हो। इतना कहकर चित्रा रोते हुए खुद वहां से चली जाती है। चित्रा के वहां से जाते ही अनुराग की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लग जाती है और वो भी रोते हुए खुद से कहता है, मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ चित्रा, आज मुझे पता चला कि क्यों प्रशांत मेरे सामने तुम्हारी हर छोटी सी बात की तारीफ करते रहता था, आज मुझे उस तारीफ के पीछे की वजह पता चली है। अनुराग के कान में अभी भी चित्रा की यही बात गूंज रही थी, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाए अनुराग, कभी नहीं समझ पाए। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए खुद से कहता है, मैं तो तुम्हें अच्छे से समझ गया चित्रा, पर तुम मुझे कभी समझ नहीं पाई, ना मुझे ना मेरे सपनों को, और मुझे तो ये भी पता है कि क्यों तुम मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे छोड़कर ना जाने की वजह हमारा प्यार नहीं बल्कि युग है। इस हादसे के बाद से ही अनुराग और चित्रा के बीच जो दूरियां कम होने लग गई थी वो वापस से बढ़ने लग गई। उनके बीच हर दिन किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता ही था। एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था जिस दिन अनुराग और चित्रा के बीच कोई झगड़ा ना हुआ हो। अनुराग और चित्रा के बीच भले ही वक्त के साथ दूरियां बढ़ती जा रही हो, पर अनुराग और युग के रिश्ते में वो पकड़ बन रही थी जो कभी नहीं टूटने वाली थी। युग अनुराग के साथ बहुत खुश रहता था और सबसे ज्यादा वक्त उसी के साथ बिताया करता था। ये युग और अनुराग के प्यार के जादू का ही असर था कि अनुराग का जो पैर कभी ठीक नहीं हो सकता था वो पैर धीरे धीरे ठीक होने लग गया था। जब अनुराग युग के साथ रहता था तो उसे अपने अंदर एक अलग ही शक्ति महसूस होती थी और वो खुद बिना बैसाखी के सहारे चलने की कोशिश किया करता था। और 2 हफ्तों में वो दिन भी आ गया जिसके बाद अनुराग को बैसाखी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। अपने दोनों पैरों पर सही सलामत चलने के बाद अनुराग और भी अच्छे से युग के साथ खेलने लग गया। युग को अनुराग के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था, आखिर किस बेटे को अपने पिता के साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं होगा। अनुराग हर वक्त युग को यक्षिणी से जुड़ा कोई ना कोई किस्सा सुनाया करते रहता था और युग को भी यक्षिणी के बारे में सुनने में बड़ा मजा आया करता था। पर युग को लगता था कि ये बस कहानी है और कुछ नहीं, यक्षिणी हकीकत में नहीं होती है। पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि युग को भी यक्षिणी पर यकीन होने लग गया। अनुराग और युग कालाझाड़ी जंगल के अंदर थे। युग ने अनुराग का हाथ पकड़ा हुआ था और दोनों ही धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। अनुराग के हाथ में उसकी बैसाखी नहीं थी, वो अपने दोनों पैरों पर सही सलामत चल रहा था। अनुराग ने हमेशा की तरह सफेद कुर्ता पहनकर रखा हुआ था। अनुराग और युग दोनों ही बातें करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। अनुराग अभी भी युग को यक्षिणी से जुड़े किस्से की कहानी सुना ही रहा था। अनुराग युग को यक्षिणी की कहानी सुनाते हुए कहता है, यक्षिणी यक्षिण लोक की रानी बनी क्योंकि यक्षिणी देवी थी युग बेटा, जो महादेव की आराधना में लीन रहा करती थी, उन्हीं की पूजा करती थी। युग नादानी में पूछ बैठता है, वही महादेव जिनकी पूजा हम करते हैं पापा? अनुराग युग की नादानी को समझते हुए बड़े प्यार से जवाब देता है, हाँ युग बेटा, महादेव तो समस्त संसार में एक ही है, उनकी तरह इस संसार में कोई नहीं, उनकी पूजा सिर्फ हमारे लोक में नहीं बल्कि समस्त लोकों में की जाती है, भक्षानर भी उन्हीं की पूजा करता था। युग अनुराग को बीच में टोकते हुए कहता है, पर पापा भक्षानर तो बुरा था ना, आपने तो कहा था उसी की वजह से यक्षिणी डायन बनी थी और इसी लोक में फंस कर रह गई। अनुराग तुरंत जवाब देता है, भक्षानर बुरा हुआ तो क्या हुआ बेटा, पर महादेव तो अच्छे है ना, जो उनकी भक्ति दिल से करता है वो उनके हो जाते हैं, उनकी नजर में कोई अच्छा बुरा नहीं है, वो सभी को एक समान ही दृष्टि से देखते हैं, तभी तो वो देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल हैं। युग झट से बोल पड़ता है, पापा महादेव की पूजा तो माँ भी करती है, तो फिर क्या महादेव माँ से भी खुश होंगे? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ युग बेटा क्यों नहीं होंगे, अगर तुम भी महादेव की पूजा करोगे तो महादेव तुमसे भी जरूर खुश होंगे। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पापा माँ कह रही थी कि बस भगवान होते हैं, ये भूत प्रेत डायन यक्षिणी जैसी कुछ चीज नहीं होती है, क्या यक्षिणी सच में नहीं होती है? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं पता युग बेटा, पर मेरी बात मानो, यक्षिणी सच में होती है। युग कुछ नाराजगी के साथ कहता है, पापा अगर यक्षिणी सच में होती है तो वो मुझे दिखती क्यों नहीं है? अनुराग युग को टालते हुए कहता है, अभी आप छोटे हो ना युग बेटा, इसलिए आपको नहीं दिखती, जब आप बड़े हो जाओ तो शायद आपको यक्षिणी दिख जाए। युग अनुराग को एकटक देखते हुए कहता है, आप तो बड़े हैं पापा, क्या यक्षिणी फिर आपको दिखी थी? अनुराग खामोश रहता है, कुछ जवाब नहीं देता है।
युग फिर अनुराग पर दबाव बनाते हुए उससे पूछ बैठता है, बताइए ना पापा, आप चुप क्यों हो गए? क्या आपको यक्षिणी दिखी थी? अनुराग के मन में ना जाने क्या आता है, वो युग से झूठ नहीं बोल पाता है और एक लंबी आह भरते हुए बोल पड़ता है, हाँ युग बेटा, दिखी थी। सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की कहानी। अनुराग के मन में न जाने क्या आता है, वो युग से झूठ नहीं बोल पाता है और एक लंबी आह भरते हुए बोल पड़ता है, हाँ युग बेटा, दिखी थी। युग हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, कहाँ दिखी थी पापा यक्षिणी आपको? अनुराग इस बार भी युग से झूठ नहीं बोल पाता है और बोल पड़ता है, घाट पर युग बेटा। युग धीरे से पूछता है, कैसी दिखती है पापा यक्षिणी? अनुराग जवाब देता है, यक्षिणी बहुत ही सुंदर दिखती है युग बेटा, इतनी सुंदर कि जो उसे एक बार देखे उसका दीवाना हो जाए। युग नादानी में पूछ बैठता है, तो पापा क्या आप भी उसके दीवाने हो गए थे? अनुराग खोए हुए अंदाज में कहता है, दीवाना हुआ नहीं था युग बेटा, दीवाना हूँ। एक बात बताता हूँ, पर पहले तुम वादा करो अपनी माँ से इस बारे में कुछ बात नहीं करोगे। इतना कहकर अनुराग अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। युग भी अगले ही पल उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहता है, वादा पापा, मैं माँ से इस बारे में कुछ बात नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। अनुराग आगे की बात ऐसे कहता है जैसे वो कोई राज की बात बता रहा हो। अनुराग युग की आंखों में देखते हुए कहता है, युग बेटा, मैंने यक्षिणी को सिर्फ देखा ही नहीं है, बल्कि मैंने तो उससे बातें भी की हैं। सिर्फ बातें नहीं, बल्कि मैं तो उसके साथ रहा भी हूँ। अगले ही पल अनुराग कुछ मायूसी के साथ कहता है, पर यक्षिणी मुझे छोड़कर चली गई। युग बौखलाहट के साथ पूछता है, यक्षिणी आपको छोड़कर चली गई, पर क्यों पापा? अनुराग मायूसी के साथ ही खोए हुए अंदाज में कहता है, मेरी एक गलती के कारण युग बेटा। हम कभी कभी अनजाने में वो गलती कर बैठते हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। उस गलती का अफसोस हमें उम्र भर रहता है, हमारे मरते दम तक, हमारे जीवन के अंत तक हम उस गलती का बस पछतावा करते रहते हैं, उसे सुधार नहीं सकते। युग अनुराग को बस एकटक देखते रहता है, कहता कुछ नहीं है। अगले ही पल अनुराग को एहसास होता है कि उसे युग से ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी, और वो बात को बदलते हुए कहता है, छोड़ो युग बेटा ये सब बातें, ये बातें तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, खूब अच्छा पढ़ो लिखो। अनुराग एक उम्मीद के साथ युग से पूछता है, युग बेटा, बड़े होकर तुम्हें क्या बनना है? युग कुछ सोचते हुए कहता है, मुझे तो पापा बड़े होकर ना डॉक्टर, मुझे तो पायलट बनना है, बड़े होकर मैं प्लेन उड़ाऊंगा ऐसे। इतना कहकर युग अपने दोनों हाथ अगल बगल फैलाता है और मुंह से एरोप्लेन की आवाज निकालते हुए भागने लग जाता है। अनुराग युग को आवाज लगाते हुए कहता है, रुको युग बेटा, इस तरह नहीं भागते, तुम गिर जाओगे, रुको युग बेटा। युग अनुराग की बात नहीं मानता है और भागते रहता है। भागते हुए ही युग को अनुराग के साथ एक नई शरारत करने का मन करता है और वो भागते हुए कहता है, पकड़ो पापा, मुझे पकड़ो, पकड़ो मुझे। अनुराग युग की शरारत देखकर पहले तो मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है, पर फिर उसकी फिक्र करते हुए उसे पुकारते हुए कहता है, रुको युग, भागो मत, तुम गिर जाओगे, ऐसे नहीं भागते हैं। युग फिर भी अनुराग की बात नहीं मानता है और भागते रहता है। अनुराग भी युग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। अनुराग ने जल्दी जल्दी 3-4 कदम युग को पकड़ने के लिए बढ़ा लिए थे। युग उसकी पकड़ में आने वाला था कि तभी युग का पैर गीली मिट्टी पर से फिसल जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही युग रोने लग जाता है। युग रोते हुए कहता है, लग गई पापा, लग गई। अनुराग तुरंत युग को उठाता है और उसे प्यार से पुचकारते हुए कहता है, रोते नहीं युग बेटा, मैंने कहा था ना आपसे कि भाग्य मत, अब पापा का कहना नहीं सुनोगे तो यही होगा ना, रोते नहीं, अब रोने से थोड़ी कुछ होने वाला है। युग रोते रहता है। नीचे गिरने के कारण उसकी दोनों कोहनियां छिल गई थी और उनसे खून निकलने लग गया था। युग लगातार रोते जा रहा था और उसे रोता हुआ देखकर अनुराग की आंखें भी नम हो गई थी। अनुराग युग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, आप तो मेरे बहादुर बेटे हो ना युग बेटा, और याद है ना पापा ने क्या कहा था, बहादुर रोते नहीं है बल्कि रुलाते हैं अपने दुश्मनों को। युग रोते रहता है, वो चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी कोहनियों से अभी भी वो खून बह रहा था, उसकी कोहनियों से अभी भी खून बह रहा था। अनुराग युग को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता था।
वो सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो युग के आंसू पोंछते हुए कहता है, रोते नहीं बेटा, पापा है ना, पापा सब ठीक कर देंगे। युग रोते हुए अपनी कोहनियां दिखाते हुए कहता है, ये चोट भी पापा, आप इससे भी ठीक कर देंगे। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ बेटा ये चोट भी, चलो अब जल्दी से खड़े हो जाओ। युग अपनी जगह पर तुरंत खड़ा हो जाता है। अनुराग युग से कहता है, पापा का हाथ पकड़ो बेटा और पापा के साथ चलो। युग तुरंत अनुराग की उंगली थामता है और उसके साथ चलने लग जाता है। कुछ ही देर में अनुराग युग को लेकर एक बड़े से अपराजिता के पेड़ के पास पहुंच जाता है। अपराजिता के पेड़ पर कई सारे सफेद फूल लगे हुए थे, साथ में वो फूल नीचे भी गिरे हुए थे। पेड़ के आसपास गिरे फूलों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर फूलों की बारिश हुई हो। युग उन फूलों को देखकर बहुत खुश हो जाता है। एक पल के लिए वो अपने हाथ की कोहनी की चोट को भूल जाता है। युग जमीन पर बिखरे फूलों को देखते हुए कहता है, इतने सारे फूल, पापा मुझे ये चाहिए, ये फूल चाहिए। अनुराग बड़े प्यार से युग को समझाते हुए कहता है, ले लेना बेटा, ये सारे फूल आपके ही तो हैं, पर पहले वो काम कर ले जिसके लिए हम यहाँ इतनी दूर आए हैं। युग खामोशी रहता है। अनुराग पेड़ को छूते हुए कहता है, तुम जानते हो युग बेटा ये क्या है? युग अपनी मासूमियत के साथ जवाब देता है, हाँ पापा ये तो पेड़ है। अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग बेटा ये पेड़ तो है, पर ये एक द्वार भी है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, द्वार मतलब दरवाजा ना पापा? अनुराग कहता है, हाँ बेटा। युग पूछता है, ये किस चीज का दरवाजा है पापा? अनुराग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ईश्वर की शरण में जाने का युग बेटा। युग उस पेड़ को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहता है, पर पापा मुझे तो इसके पलड़े नजर नहीं आ रहे हैं, हम इसके अंदर कैसे जाएंगे? अनुराग जवाब देता है, मैंने कहा ना युग बेटा, ये ईश्वर की शरण में जाने का द्वार है, तो इतनी आसानी से इसके पलड़े तुम्हें नजर कैसे आएंगे? अभी ये द्वार बंद है और वो द्वार तभी खुलेगा जब तुम ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करोगे। युग अपनी दोनों भवें ऊपर करते हुए कहता है, क्या कहा पापा आपने, आराधना? अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ युग बेटा आराधना, आप सबसे ज्यादा महादेव को मानते हो ना? युग कहता है, हाँ पापा आप भी तो उन्हें ही मानते हो ना? अनुराग कहता है, हाँ बेटा अब हम दोनों मिलकर उन्हीं की सच्चे मन से आराधना करेंगे। पर अचानक से अनुराग खामोश हो जाता है और कुछ घबरा जाता है। युग तुरंत अनुराग से पूछ बैठता है, क्या हुआ पापा आप चुप क्यों हो गए? अनुराग कहता है, युग बेटा कहने को तो ये द्वार हमें ईश्वर की शरण में ले जाता है, पर अगर हम ईश्वर की आराधना सच्चे मन से नहीं करते हैं तो हमारे साथ बुरा भी होता है। युग पूछ बैठता है, क्या बुरा होता है पापा? अनुराग कहता है, पता नहीं युग बेटा, मैं जब भी यहाँ पर आया हूँ मैंने सच्चे मन से ही ईश्वर की आराधना करी है, इस वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि क्या बुरा होता है। और मुझे तुम पर भी पूरा भरोसा है कि तुम्हारा मन साफ है, तुम भी सच्चे मन से ही आराधना करोगे, आखिर तुम मेरे बेटे जो हो। अनुराग युग को एक मंत्र बताता है और अपनी बात खत्म करते हुए कहता है, युग बेटा तुम्हें इस मंत्र का जाप पूरे 3 बार करना है, वो भी बिना रुके। युग घबराते हुए कहता है, क्या कहा पापा 3 बार? अनुराग पूछता है, हाँ युग बेटा क्यों, क्या हुआ? युग हिचकिचाते हुए कहता है, वो पापा मुझे ये मंत्र याद ही नहीं हुआ तो फिर मैं कैसे इस मंत्र का जाप करूंगा लगातार 3 बार। अनुराग भी इस बात से अच्छे से वाकिफ था कि इतना बड़ा मंत्र युग के लिए एक ही बार में याद करना मुश्किल था, आखिर युग था तो एक 8 साल का बच्चा ही ना। अनुराग एक बार मंत्र का जाप करने के बाद मंत्र युग के रिपीट करने तक रुक नहीं सकता था, वरना उसकी आराधना में खुद मुश्किल पैदा हो सकती थी। एक बार अगर उसने मंत्र का जाप किया तो उसे खत्म करने के बाद ही वो रुक सकता था। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है और वो एक बड़ा सा पत्थर ढूंढता है, उसे नुकीला बनाता है और उससे उस मंत्र को अपराजिता के पेड़ के तने पर लिखने लग जाता है। जैसे जैसे अनुराग उस मंत्र के तने पर लिखते जा रहा था वो अक्षर उभर कर दिखने लग गए थे। मंत्र लिखने के बाद अनुराग युग से कहता है, पढ़ना तो तुम्हें आता ही है ना युग बेटा, अब तो 3 बार पढ़ लोगे ना? युग कहता है, हाँ पापा मैं कर लूंगा। युग अनुराग दोनों अपने हाथ जोड़ते हैं और महादेव को स्मरण करते हुए उस मंत्र का जाप करने लग जाता है। 3 बार जाप करने के बाद भी युग को कुछ बदलते हुए नजर नहीं आता है। युग मायूसी के साथ कहता है, पापा मुझे तो अब भी द्वार नजर नहीं आ रहा है। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, द्वार खुल चुका है युग बेटा, तुम मेरे साथ चलो।
अनुराग युग को पास में ही जो तालाब था उसके पास ले जाता है और युग से आंखें बंद करके एक और बार महादेव का स्मरण करने के लिए बोलता है। महादेव का स्मरण करके जब युग अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने एक बड़ा सा झरना था जिसका पानी एक बड़े से शिवलिंग पर गिर रहा था। पानी के झरने पर गिरते ही ओम की आवाज आ रही थी। युग उस शिवलिंग और झरने को देखकर बहुत खुश हो गया था। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा आपने महादेव की आराधना वैसे ही करी है ना जैसे मैंने आपको बताई थी। युग जवाब देता है, हाँ पापा वैसे ही की है जैसे आपने कहा था। अनुराग खुश होते हुए कहता है, वेरी गुड बेटा, याद रखना बिना आराधना के आप यहाँ कभी नहीं पहुँच पाएंगे। ईश्वर का द्वार आपके लिए तभी खुलता है जब आप सच्चे मन से आराधना करते हैं। युग पलटकर कुछ नहीं कहता, बस बहते हुए झरने की धारा को देखते रहता है। अनुराग युग से कहता है, तुम्हें पता है युग बेटा, यक्षिणी इसी झरने के पास आकर महादेव की आराधना करती थी। ये झरना, ये शिवलिंग सब उसी ने स्थापित करे हैं अपनी दैवीय शक्ति से। जीवन में जब तुम्हें पता ना हो कि क्या करना है, तुम यहीं पर आ जाना महादेव की शरण में। यहाँ पर आकर तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। युग अनुराग की बातें बड़े गौर से सुनते रहता है, बीच में कुछ नहीं कहता है। अनुराग युग से कहता है, युग बेटा चलो अब झरने के नीचे जाने का वक्त आ गया है। युग घबराते हुए कहता है, नहीं पापा मैं वहां पर गया तो बह जाऊंगा, धारा बहुत तेज है। अनुराग दबाव बनाते हुए कहता है, आपको आपके पापा पर भरोसा है ना युग बेटा, आपके पापा आपको कुछ नहीं होने देंगे। पापा पर भरोसा रखो, वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, युग झट से अनुराग की उंगली पकड़ते हुए कहता है, आप कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे पापा, मुझे पता है मैं भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अनुराग युग को लेकर झरने के नीचे जाने लग जाता है। वो दोनों जैसे ही झरने के नीचे पहुंचते हैं, झरने की धारा धीमी हो जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो धारा उन दोनों के लिए ही धीमी हुई हो। युग और अनुराग के ऊपर झरने की धारा गिरने लग जाती है। जैसे ही पानी की बूंदें युग के जख्मों पर पड़ती है तो उसका दर्द कम होने लग गया था और उसका जख्म भी भरने लग गया था। पर युग झरने के नीचे पानी के साथ खेलने में इतना मगन हो गया था कि उसका इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं था, पर अनुराग का ध्यान था। ऐसा लग रहा था जैसे वो धारा उन दोनों के लिए ही धीमी हुई हो। युग और अनुराग के ऊपर झरने की धारा गिरने लग जाती है। जैसे ही पानी की बूंदें युग के जख्मों पर पड़ती है तो उसका दर्द कम होने लग गया था और उसका जख्म भी भरने लग गया था। पर युग झरने के नीचे पानी के साथ खेलने में इतना मगन हो गया था कि उसका इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं था, पर अनुराग का ध्यान था। वो युग के जख्मों को भरता हुआ देखकर मन ही मन शिवलिंग को देखकर महादेव का शुक्रिया कर रहा था। जैसे उसे पता था कि वो जगह पूरी तरह जादुई है, एक चमत्कार से बनी हुई है। कुछ घंटों तक अनुराग और युग वहीं झरने के पास ही खेलते रहते हैं, पर अनुराग जान गया था कि अब वापस से ग्रेवयार्ड कोठी जाने का वक्त आ गया था। पर जब अनुराग युग को वापस चलने को कहता है तो युग मना कर देता है। उससे कहता है कि उसे माँ नहीं पसंद, पर आखिरी में अनुराग युग को समझा बुझा कर मना ही लेता है। उससे कहता है कि उसे माँ नहीं पसंद, पर आखिरी में अनुराग युग को समझा बुझा कर मना ही लेता है और उससे वादा लेता है कि वो चित्रा को इस बारे में कुछ ना बताए, ये जगह उनकी टॉप सीक्रेट है। अनुराग युग को गोद में उठाता है और वापस ले जाने लग जाता है। अनुराग युग को वापस ही ले जा रहा था कि तभी युग कुछ नोटिस करता है और अपने पापा की पीठ पर हाथ मारते हुए कहता है, पापा मुझे नीचे उतारिए। अनुराग कहता है, क्या हुआ युग बेटा? युग अपनी बात दोहराता है, पापा आप मुझे नीचे तो उतारिए। अनुराग ने युग को इतना परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत युग को नीचे उतारते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। अनुराग ने युग को इतना परेशान होते हुए पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत युग को नीचे उतारते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ बेटा? युग अपने हाथ से अपराजिता के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहता है, वो देखिए पापा। अनुराग अपराजिता के पेड़ की तरफ देखते हुए कहता है, क्या है युग बेटा, वहां पर तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। युग कहता है, वो देखिए ना पापा। अनुराग कहता है, वो क्या युग बेटा? इस बार युग कुछ नहीं कहता है। वो अपने कदम अपराजिता के पेड़ के पास बढ़ाता है, उसके पास जाता है और अपने हाथ से पेड़ के तने की तरफ इशारा करते हुए कहता है,
वो मंत्र पापा जो आपने इस तने पर लिखा था वो गायब हो गया। जब युग के कहने पर अनुराग गौर से पेड़ के तने की तरफ देखता है तो नोटिस करता है कि युग बिल्कुल ठीक कह रहा था। वो मंत्र जो पत्थर से उसने उस पेड़ के तने पर लिखा था वो वहाँ से मिट चुका था। उस जगह को देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वहाँ पर पहले कुछ लिखा हुआ था। युग कुछ घबराते हुए कहता है, वो मंत्र कैसे मिट गया पापा? अनुराग बड़े गौर से पेड़ के तने को देखते हुए कहता है, वो मंत्र मिटा नहीं है युग बेटा, यहीं पर है। युग कुछ परेशान होते हुए कहता है, क्या कहा पापा आपने? पापा यहीं पर है, पर कहां पर? मुझे कहीं पर वो मंत्र दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अनुराग कुछ मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने कहा था ना युग बेटा, ये जगह जादुई है जिसे यक्षिणी ने अपने जादू से बनाया है। इतना कहकर अनुराग जमीन पर ही पड़ा अपराजिता का एक सफेद फूल उठाता है और उसका रस निकाल कर पेड़ के तने के उस हिस्से की तरफ लगाने लग जाता है जहां पर उसने मंत्र लिखा था। अनुराग जैसे ही उस हिस्से में फूल के रस को लगाता है उसे वो मंत्र फिर से दिखाई देने लग जाता है। अनुराग मुस्कुराते हुए कहता है, अब दिखा युग बेटा आपको मंत्र? युग खुश होते हुए कहता है, हाँ पापा दिख रहा है, ये तो जादू है। अनुराग पलट कर कहता है, जादू नहीं युग बेटा, ये पूरी जगह ही जादुई है। ये पेड़ यक्षिणी ने अपनी शक्तियों से बनाया है, इस वजह से ये खुद अपनी रक्षा करता है, तभी ये अपने आप अदृश्य हो गया था। युग एकटक उस पेड़ को ही देखते रहता है। अनुराग युग का हाथ फिर से थामते हुए कहता है, अब चलो युग बेटा, हमें पहले ही देर हो गई है, घर पर आपकी मम्मी हमारी राह देख रही होगी, अगर अब और देर हुई तो फिर हमारे बहाने भी हमें नहीं बचा पाएंगे। युग भी अनुराग का हाथ थामते हुए कहता है, हाँ चलिए पापा चलते हैं। युग और अनुराग एक दूसरे का हाथ थामते हैं और वहां से जाने लग जाते हैं। दिन बीतते जा रहे थे और उसी के साथ अनुराग और युग के बीच का रिश्ता मजबूत होते जा रहा था। अनुराग को जब भी वक्त मिलता वो युग को यक्षिणी से जुड़ा कोई ना कोई किस्सा सुना दिया करता था। युग जितना यक्षिणी के बारे में सुनते जा रहा था उतना ज्यादा यक्षिणी पर विश्वास करते जा रहा था। जब से युग ने वो दैवीय झरना देखा था तब से वो यक्षिणी पर कुछ ज्यादा ही यकीन करने लग गया था। युग ने अनुराग से वादा किया था कि वो चित्रा को उन बातों के बारे में कुछ नहीं बताएगा, पर उसने ये वादा नहीं किया था कि वो अपने दोस्तों को यक्षिणी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। युग था तो एक बच्चा ही, और बच्चों के पेट में कहां कोई बात बच पाती है। अभिमन्यु युग का सबसे करीबी दोस्त था जिस कारण वो उससे कोई बात नहीं छुपा पाता था। वो उसे यक्षिणी के किस्से सुना दिया करता था जो अनुराग उसे सुनाया करता था। अभिमन्यु भी बड़े गौर से उन किस्सों को सुनते रहता था, पर उसके मन में ये बात बनी हुई थी कि युग जो भी उसे यक्षिणी के बारे में बताता है वो बस कहानी है, कोई सच नहीं। अभिमन्यु उन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। युग ने अभिमन्यु को भी झड़ने वाली जगह के बारे में कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो उसकी और अनुराग की टॉप सीक्रेट जगह थी, और टॉप सीक्रेट जगह के बारे में बच्चे किसी को कुछ नहीं बताते हैं। कभी कभी युग यक्षिणी के किस्से सिर्फ अभिमन्यु को ही नहीं बल्कि अपने बाकी के दोस्तों को भी सुना दिया करता था, और वो भी बड़े मन लगाकर उन किस्सों को सुनते थे। पर एक दिन युग ने अपने दोस्तों को एक ऐसा किस्सा सुनाया कि सबके मन में यक्षिणी के लिए डर बस गया। सिर्फ मन में डर नहीं बसा बल्कि उस किस्से के कारण अभिमन्यु की जान खतरे में पड़ गई। युग के स्कूल की छुट्टी हो गई थी और वो अपने दोस्तों के साथ स्कूल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर अनुराग के आने का इंतजार कर रहा था। अनुराग उसे लेने के लिए अभी तक नहीं आया था। हमेशा की तरह उसके दोस्त इंतजार कर रहे थे कि अनुराग युग को लेने के लिए आए और उसके बाद वो अपने अपने घर जा सके। वक्त काटने के लिए युग अपने दोस्तों के साथ आज कहानी वाला खेल खेल रहा था, और आज की कहानियों का टॉपिक था डरावनी कहानियां, जिसमें हर किसी को कोई ना कोई डरावनी सी कहानी सुनानी थी। सभी कोई ना कोई डरावनी कहानी सुना चुके थे। कछुए ने कटी मुंडी की भूतनी की कहानी सुनाई थी, तो कायर ने शायर के प्रेत की कहानी सुनाई थी, बिंदु ने उल्टे पैर वाली चुड़ैल की कहानी सुनाई थी, तो अभिमन्यु ने एक जिन की कहानी सुनाई थी, और इस वक्त उन सबको जो कहानी सुना रहा था वो कोई और नहीं युग था। युग किसी और की नहीं बल्कि यक्षिणी की कहानी ही उन्हें सुना रहा था। जैसे जैसे युग अपने दोस्तों को यक्षिणी की कहानी सुनाते जा रहा था उनके चेहरे पर डर बढ़ते जा रहा था। कछुआ और कायर ने तो डर के मारे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया था। बिंदु भी पूरी तरह पसीने से लथपथ हो गई थी। बस अभिमन्यु ही था जिसके चेहरे पर डर दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। युग अपने दोस्तों को यक्षिणी की कहानी सुनाते हुए डरावनी आवाज निकालते हुए कहता है, वो यक्षिणी अपने नुकीले दांत उस आदमी की गर्दन पर गड़ाती है और उसका खून पीने लग जाती है। वो आदमी दर्द से कराहने लग जाता है।
उसकी आवाज आसमान में गूंजने लग जाती है, पर यक्षिणी उसकी एक नहीं सुनती है, उसका खून पीते रहती है। यक्षिणी तब तक उसका खून पीती रहती है जब तक उसके अंदर का सारा खून नहीं पी जाती है। जैसे जैसे युग कहानी सुनाते जा रहा था, कायर, कछुआ और बिंदु तीनों और भी ज्यादा डरते जा रहे थे। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, खून पीने के बाद उस आदमी का शरीर सफेद पड़ गया था, उसके शरीर की हड्डियां दिखने लग गई थी। उसी वक्त यक्षिणी अपने काले नुकीले नाखून उस आदमी के सीने के अंदर घुसाती है और एक ही बार में उसका दिल बाहर निकाल लेती है। यक्षिणी के हाथ में उस आदमी का दिल था जो धक धक धड़के जा रहा था। उसके दिल में अभी भी जान बची हुई थी। यक्षिणी उस आदमी के दिल को अपनी जीभ से, युग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही कछुआ बौखलाहट के साथ डरते हुए कहता है, बस बस चुप हो जा युग, अब कुछ मत बोलना। युग हैरानी के साथ कछुए से पूछता है, क्यों, क्या हो गया कछुआ? कछुआ अपने माथे पर का पसीना पोंछते हुए हकलाते हुए कहता है, मुझे डर लग रहा है यार। युग कुछ कहता उससे पहले ही कायर भी बोल पड़ता है, हाँ यार मुझे भी डर लग रहा है, बस कर, ऐसे कोई कहानी सुनाता है क्या? मेरे हाथ पैर तो डर के मारे अभी भी कांप रहे हैं। कछुआ और कायर का डर देखकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लग जाता है और हंसते हुए ही कहता है, तुम दोनों तो एक नंबर के डरपोक हो, ऐसे भी कोई कहानी सुनकर डरता है क्या? तुम लोग कब बड़े होगे? कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, डर नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, अभिमन्यु कितनी डरावनी कहानी सुनाई युग ने। अभिमन्यु अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, वही तो, युग ने बस एक डरावनी कहानी ही तो सुनाई है हम सब की तरह, तो इसमें डरने वाली क्या बात है, ये बस एक कहानी ही तो है। युग अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, ये बस कहानी नहीं है अभिमन्यु, बल्कि सच है। अभिमन्यु हंसते हुए ही कहता है, देख युग, तू ना मुझे मत डरा, मैं कछुआ और कायर की तरह डरपोक नहीं हूँ जो तेरी झूठी कहानी से डर जाऊं। युग तुरंत पलट कर कहता है, ये झूठी कहानी नहीं है अभिमन्यु, मैंने कहा ना ये सच्ची कहानी है, और यही नहीं बल्कि इससे पहले मैंने तुझे जितनी भी यक्षिणी की कहानियां सुनाई है सारी सच है। अभिमन्यु कुछ सीरियस होते हुए कहता है, मतलब तू ये कहना चाहता है कि यक्षिणी सच में होती है? युग अपनी बात पर बने रहते हुए कहता है, हाँ अभिमन्यु सच में होती है, तुझे नहीं पता क्या? कुछ देर तक तो अभिमन्यु सीरियस ही रहता है और एकटक युग को देखते रहता है, पर फिर अगले ही पल हंसते हुए कहता है, तू ना युग मुझे उल्लू मत बना, मैं नहीं आने वाला तेरी इन बातों में, समझा? ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती है, ये सब बस कहानियां हैं और कुछ नहीं। युग तुरंत पलट कर कहता है, नहीं अभिमन्यु, यक्षिणी सच में होती है, मेरा यकीन कर, वो सच में हर अमावस्या और पूर्णिमा के दिन मर्दों का शिकार करके उनका दिल निकाल लेती है। अभिमन्यु कुछ कहता उससे पहले ही बिंदु बोल पड़ती है, युग सच बोल रहा है, मेरी मम्मी भी यही कहती है, तभी तो वो पापा को अमावस्या और पूर्णिमा की रात घर से बाहर नहीं जाने देती कहीं। कायर भी बिंदु की बात से सहमत होते हुए कहता है, मेरी मम्मी तो पापा को शाम होते ही घर के अंदर जाने के लिए बोल देती है अमावस्या पूर्णिमा के दिन। कछुआ डरते हुए कहता है, तुम दोनों की मम्मी तो तुम्हारे पापा को शाम को और रात में कैद करती है, मेरी मम्मी तो मेरे पापा को दिन से ही एक कमरे में बंद कर देती है, कहती है जब तक अमावस्या या पूर्णिमा की रात खत्म नहीं हो जाती तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे। कायर और ज्यादा डरते हुए कहता है, वो यक्षिणी सच में मर्दों का दिल निकालती है, मैंने माँ को एक बार इस बारे में बात करते हुए सुना था। कोई और कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु गुस्से के साथ बोल पड़ता है, अच्छा वो यक्षिणी मर्दों का दिल निकालती है और फिर उस दिल का क्या करती है, वो जरा बताओगे? युग तुरंत जवाब देता है, वो यक्षिणी ना उस दिल को खा जाती है उसकी पूजा करके, पापा बता रहे थे यक्षिणी को भोग लगाना पड़ता है अपने अभिशाप के कारण। युग के मुंह से ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए थे, और सबसे ज्यादा जो हैरान था वो था अभिमन्यु। अभिमन्यु युग को एकटक देखते हुए पूछता है, कैसा अभिशाप युग, तू किस अभिशाप की बात कर रहा है? युग अपना सिर खुजाते हुए कुछ याद करने की कोशिश करते हुए कहता है, वो अभिशाप क्या था वो तो मैं भूल गया, पर पापा बता रहे थे कि वो यक्षिणी अपने अभिशाप के कारण ही बुरी बनी है, उसी वजह से उसे मर्दों का दिल निकालना पड़ता है। कायर झट से पूछ पड़ता है, पर दिल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं? युग जवाब देता है, क्योंकि उसने किसी का प्यार छीन लिया था। बिंदु फौरन पूछ बैठती है, किसका प्यार?
युग एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, महाडायन का प्यार। जैसे ही युग ये बात बोलता है, सब लोग एकदम खामोश हो जाते हैं। हर कोई एक दूसरे के चेहरे की तरफ देख रहा था, क्योंकि सभी ने पहली बार महाडायन का नाम सुना था। उनमें से कोई भी महाडायन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अभिमन्यु फिर हंसते हुए कहता है, लो अब युग एक नया किरदार ले आया महाडायन। इसकी भी कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, क्यों युग? इतना कहकर अभिमन्यु युग की तरफ देखने लग जाता है। युग कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि उससे पहले ही अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, युग तू ना बहुत ही अच्छी कहानी बनाता है। तू मुझे बता रहा था ना बड़े होकर तुझे पायलट बनना है। एक काम कर, तू बड़े होकर पायलट मत बन बल्कि लेखक बन अपने पापा की तरह, क्योंकि तू भी उन्हीं की तरह कहानी बनाने में माहिर है। युग गुस्से के साथ अभिमन्यु को घूरते हुए कहता है, ये सब बातें कहानी नहीं है अभिमन्यु, बल्कि सच है। यक्षिणी सच में होती है। अभिमन्यु भी गुस्से से पलट कर कहता है, तू कैसे कह सकता है यक्षिणी सच में होती है? तूने उसे देखा है क्या? युग गुस्से से ही बोल पड़ता है, मैंने नहीं देखा तो क्या हुआ, मेरे पापा ने तो देखा है ना। अभिमन्यु युग को घूरते हुए कहता है, क्या कहा, तेरे पापा ने यक्षिणी को देखा है? युग अभी भी गुस्से के साथ ही कहता है, हाँ देखा है, और सिर्फ देखा नहीं है बल्कि उससे बात भी की है। ये सब बातें यक्षिणी ने ही मेरे पापा को बताई थी, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। युग की बातें सुनकर सब लोग दंग रह गए थे। सबके चेहरे देखने लायक थे। कोई कुछ कहता उससे पहले ही वहां पर अनुराग आ जाता है और आते से ही बोल पड़ता है, क्या बातें हो रही हैं बच्चों तुम्हारे बीच? तुम सबको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी गंभीर बात पर चर्चा हो रही है। अनुराग को वहां पर अचानक से देखकर युग घबरा जाता है। अनुराग को देखकर उसे इस बात का एहसास होता है कि जो बात उसने थोड़ी देर पहले कही थी वो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, गुस्से में भी नहीं। युग घबराते हुए मन में सोचता है कि मैंने गुस्से में क्या बोल दिया, मुझे ये सब बातें इन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, पापा ने मना किया था। अभिमन्यु कहीं पापा से कुछ ना बोल दे, वरना मैं तो गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग घबराते हुए मन में सोचता है, ये मैंने गुस्से में क्या बोल दिया, मुझे ये सब बातें इन्हें नहीं बतानी चाहिए थी, पापा ने मना किया था। अभिमन्यु कहीं पापा से कुछ ना बोल दे, वरना मैं तो गया। युग ने ये बात अभी मन में सोची ही थी कि तभी अभिमन्यु गुस्से में अनुराग से बोल पड़ता है, देखिए ना अनुराग अंकल, ये युग कैसी झूठी झूठी बातें कर रहा है। अनुराग को लग रहा था कि बच्चों के बीच किसी छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, इसलिए अभिमन्यु उसकी शिकायत उससे कर रहा है। अनुराग बड़े प्यार से अभिमन्यु से कहता है, कैसी कैसी झूठी बातें कर रहा है अभिमन्यु बेटा हमारा युग। अभिमन्यु तुरंत पलट कर कहता है, ये युग कह रहा था अंकल कि यक्षिणी डायन सच में होती है और वो मर्दों का शिकार करती है। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है, अनुराग युग की तरफ देखने लग जाता है और युग खुद पर शर्मिंदा होते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए अनुराग से कहता है, इतना ही नहीं अंकल, ये युग तो ये भी कह रहा था कि आप यक्षिणी से मिले हैं, आपने उसे देखा है, वही आपको कहानियां सुनाती है। अभिमन्यु की ये बात कहते ही अनुराग और भी ज्यादा गुस्से से युग को घूरने लग जाता है। युग अपनी नजरें अनुराग से नहीं मिला पा रहा था, उसने अपनी नजरें नीचे करके ही रखी हुई थी। अभिमन्यु फिर बोल पड़ता है, अंकल आप ही बताइए, मैं तो आपकी ही बातों पर यकीन करूंगा, बोल दीजिए ये सब बातें झूठ है, युग हम सबसे झूठ बोल रहा है। अनुराग चुप रहता है, उसके समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो अपने बेटे को अपने दोस्तों के सामने झूठा साबित होते हुए भी नहीं देख सकता था, इससे युग तो अपने दोस्तों की नजरों में गिरता, साथ में युग अनुराग से भी नाराज हो जाता। अनुराग युग की नाराजगी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, आखिर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करता था। अभिमन्यु फिर अपनी बात पर जोर देते हुए अनुराग से कहता है, ये सब बातें झूठ है ना अंकल, यक्षिणी नहीं होती है ना। अनुराग एक लंबी आह भरते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु बेटा, युग सच बोल रहा है, यक्षिणी सच में होती है। जैसे ही अनुराग ये बात बोलता है, सब बच्चे अनुराग की तरफ हैरानी के साथ देखने लग जाते हैं। युग भी अपनी नजरें ऊपर उठा लेता है और अनुराग की तरफ विश्वास भरी नजरों के साथ देखने लग जाता है। अनुराग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, युग ने जो भी बातें तुम सबको बताई है वो सारी सच है, मैंने यक्षिणी को देखा है, मैं उससे मिला हूँ, उससे बातें करी हैं,
वही मुझे अपनी कहानियां सुनाया करती थी, तभी तो मुझे उसके बारे में इतना सब पता है। और मैं उस पर एक किताब लिख रहा हूँ। सब बच्चे एकटक नजर से अनुराग को ही देखे जा रहे थे। अनुराग के मुंह से ये बात सुनकर लगभग सभी को यक्षिणी पर विश्वास हो गया था, सिवाय अभिमन्यु के। अभिमन्यु ना में अपना सिर हिलाते हुए ही कहता है, नहीं नहीं अंकल, मैं नहीं मानता इन सब बातों को, ये सब झूठ है। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना ताकि युग को बुरा ना लगे, आखिर वो आपका प्यारा बेटा जो है, आप तो उसी का साइड लेंगे ना। अनुराग अभिमन्यु को अपनी बातों पर विश्वास दिलाने की कोशिश करते हुए कहता है, नहीं अभिमन्यु बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। ये सब बातें मैं कोई युग की बात रखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सच कह रहा हूँ। यक्षिणी सच में होती है और मैं उससे मिला हूँ। अभिमन्यु अगले ही पल हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, अगर आप यक्षिणी से मिले हैं तो फिर मुझे भी मिलाइए, मुझे भी उससे मिलना है। बिंदु अभिमन्यु को टोकते हुए कहती है, ये तू क्या बोल रहा है अभिमन्यु, तू पागल तो नहीं हो गया है जो यक्षिणी से मिलने की बात कर रहा है। अभिमन्यु पलट कर कहता है, बिंदु मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मेरी माँ कहती है हमें उन्हीं बातों पर यकीन करना चाहिए जिसे हमने अपनी आंखों से देखा हो, न कि सुनी सुनाई बातों पर। अगर अनुराग अंकल ने यक्षिणी को देखा है तो वो मुझे उससे मिलवा ही सकते हैं ना। अनुराग ये बात अच्छे से जानता था कि वो चाहकर भी अभिमन्यु को यक्षिणी से नहीं मिलवा सकता था, आखिर उसे यक्षिणी हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जो जा चुकी थी। अनुराग एक मायूसी के साथ जवाब देता है, अभिमन्यु बेटा मैं तुम्हें यक्षिणी से नहीं मिलवा सकता हूँ। अभिमन्यु पलट कर पूछता है, क्यों नहीं मिलवा सकते अंकल आप मुझे यक्षिणी से? अनुराग तुरंत कोई सा बहाना सोचते हुए कहता है, तुम अभी छोटे हो ना अभिमन्यु बेटा, और यक्षिणी छोटे बच्चों के सामने नहीं आती है। अभिमन्यु झट से पलट कर कहता है, नहीं अनुराग अंकल, मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी माँ कहती है मुझे यक्षिणी से मिलना है, उसे देखना है अंकल, तभी मैं इस बात पर विश्वास करूंगा कि आप यक्षिणी से मिले हैं। अनुराग अभिमन्यु की बात को टालते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, तुम अभी छोटे ही हो अभिमन्यु बेटा, अपनी हाइट मुझसे नाप कर देख लो, जब तुम मेरी बराबरी के हो जाओगे तो तुम खुद किसी अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर जाकर देख लेना, यक्षिणी तुम्हें वहीं पर मिलेगी किसी मर्द का शिकार करते हुए। अभिमन्यु पलट कर कुछ कहने वाला था कि तभी अनुराग फिर बोल पड़ता है, और रही विश्वास करने वाली बात, तो अभिमन्यु बेटा देखा तो आपकी मम्मी ने भगवान को भी नहीं होगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि भगवान भी नहीं होते। जरूरी नहीं जिन चीजों को हमने देखा ना हो उनका कोई वजूद ना हो, वो चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती हैं उनके वजूद के लिए कुछ ना कुछ संकेत होते हैं, तुम खुद कल सुबह घाट पर जाकर देख लेना, आज रात अमावस्या है ना, यक्षिणी फिर किसी मर्द का शिकार करेगी और कल सुबह तुम्हें उसी आदमी के कपड़े खून से सने हुए घाट पर मिलेंगे। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, वो यक्षिणी सच में आज रात घाट पर किसी का शिकार करेगी अनुराग अंकल? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ अनुराग बेटा जरूर करेगी। अनुराग की बात सुनकर अभिमन्यु मन में ही कुछ सोचते रहता है पर कहता कुछ नहीं है। अभिमन्यु को देखकर अनुराग समझ गया था कि उसके मन में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा था, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहता है, मेरी एक बात हमेशा याद रखना अभिमन्यु बेटा, अगर तुम बड़े भी हो जाओ तब भी घाट पर कभी अमावस्या और पूर्णिमा की रात मत जाना, क्योंकि वो यक्षिणी जब डायन बनती है तो उसका खुद पर कोई काबू नहीं होता है, वो नहीं देखती है कि उसके सामने कौन है, उसको सब शिकार ही नजर आते हैं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ भी हो, आखिर तुम युग के सबसे अच्छे दोस्त जो हो, और युग कभी नहीं चाहेगा कि उसके दोस्त को कुछ हो। अनुराग की बातें सुनकर अभिमन्यु को छोड़कर सभी बच्चे और भी ज्यादा डर गए थे। कायर, कछुआ और बिंदु की आंखों के सामने तो यक्षिणी का वो डरावना चेहरा बनने लग जाता है जैसा युग ने अपनी कहानी में बताया था। उनके मन में यक्षिणी के लिए भयंकर डर बस चुका था, वो डर उन बच्चों की आंखों में साफ देखा जा सकता था, पर अभिमन्यु की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो, वो कुछ ऐसा करने की सोच रहा हो जो उसे कभी नहीं करना चाहिए था। अनुराग युग के हाथ से उसका बस्ता लेते हुए कहता है, चलो युग बेटा, आपकी मम्मा हमारा इंतजार कर रही होगी, आपकी मम्मा ने आपके पसंदीदा पुखलिन बनाए हैं आपके लिए, आपको वो बहुत पसंद है ना। युग अभी भी अपने किए पर शर्मिंदा था, उसे एहसास था कि उसने अनुराग का विश्वास तोड़ा था। युग मायूसी के साथ हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ पापा चलिए। अनुराग जाने से पहले अभिमन्यु के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए कहता है, अभिमन्यु बेटा बड़ों जैसी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, तुम छोटे हो छोटे की तरह ही रहो, और मेरी बात हमेशा याद रखना, बड़े होकर भी कभी अमावस्या और पूर्णिमा की रात घाट पर मत जाना, वरना वो यक्षिणी
इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। वो युग का हाथ थामता है और उसे लेकर वहाँ से जाने लग जाता है। अनुराग के जाने के बाद भी अनुराग की बातें अभिमन्यु के मन में गूंजते रहती हैं। अनुराग और युग को वहाँ से जाते हुए देख अभिमन्यु मनी मन सोचता है, मैं बड़ों जैसी बातें ही नहीं करता हूँ अनुराग अंकल, बल्कि मैं सच में बड़ा हो चुका हूँ और ये बात मैं आज रात खुद घाट पर जाकर साबित करके रहूंगा। मैं तब तक किसी बात पर भरोसा नहीं करता जब तक उस चीज को अपनी आंखों से ना देख लूं। और संकेतों का क्या है, वो तो बनाए भी जा सकते हैं झूठ को सच साबित करने के लिए। अभिमन्यु गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहता है, आपने मुझे कल सुबह घाट पर जाने के लिए कहा था ना, पर मैं सुबह नहीं आज रात ही घाट पर जाऊंगा ये देखने कि यक्षिणी सच में शिकार करती है या नहीं, और यदि करती है तो कैसे। मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ जो यक्षिणी से डरूं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। युग और अनुराग स्कूल से ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ जा रहे थे। अनुराग तो कुछ न कुछ कहते जा रहा था पर युग खामोश था। वो एक मायूसी के साथ अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था और युग के चेहरे पर की ये मायूसी अनुराग ने कुछ देर में ही पढ़ ली थी। कैसे न पढ़ता, आखिर वो युग का बाप जो था। एक पिता अपने बेटे के चेहरे की खामोशी को उसके बिना कुछ कहे ही समझ जाता है। अनुराग युग से कहता है, क्या हुआ युग बेटा, तुम इतने चुप क्यों हो? मेरा बेटा तो ऐसा नहीं था, वो तो हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहता था। युग अपना सिर नीचे झुका कर ही कहता है, सॉरी पापा। अनुराग हैरानी के साथ कहता है, सॉरी पर किस लिए युग बेटा? युग कहता है, वो पापा आपने यक्षिणी वाली बात किसी को भी बताने के लिए मना किया था ना, और मैंने अपने दोस्तों को बता। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अनुराग बोल पड़ता है, युग बेटा तुम अभी तक उस बात को लेकर बैठे हो, वो किस्सा तो खत्म हो गया है ना, और जब किस्सा खत्म हो जाता है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए। युग अपनी नजरें चुराते हुए कहता है, पर पापा फिर भी। अगले ही पल युग कुछ गुस्से के साथ कहता है, ये सब ना वो अभिमन्यु की वजह से हुआ है, मैं तो बस उसे कहानी सुना रहा था पर वो उस पर यकीन ही नहीं कर रहा था, इसलिए गुस्से में मेरे मुंह से वो सब निकल गया। अनुराग युग को प्यार से समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं युग बेटा, हो जाता है कभी कभी, और रही अभिमन्यु की बात तो वो तो तुम्हारा दोस्त ही है और दोस्तों पर गुस्सा नहीं करते हैं, वो भी छोटा है ना इसलिए यकीन नहीं कर रहा, पर देखना जब वो बड़ा होगा तो खुद इन सब बातों पर यकीन करने लग जाएगा। युग चलते चलते रुक जाता है। अनुराग तुरंत उससे पूछता है, क्या हुआ युग बेटा, तुम रुक क्यों गए? युग की आंखें नम थी, आंसुओं ने उसकी आंखों में पूरी तरह पनाह ले ली थी, पर वो झलक नहीं रहे थे। युग अपने पापा के गले लगकर रोते हुए कहता है, मुझे माफ कर दीजिए पापा, मुझसे गलती हो गई, मुझे यक्षिणी वाली कहानी उन्हें बताना ही नहीं चाहिए था, अब मैं यक्षिणी के बारे में बात ही नहीं करूंगा, किसी से भी नहीं, अपने दोस्तों से भी नहीं, पक्का प्रॉमिस। अनुराग युग को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, रोते नहीं मेरे बच्चे, तुम तो मेरे शेर बच्चे हो ना, और शेर रोते थोड़ी है। युग रोते रहता है। अनुराग कुछ ही देर में युग को जैसे तैसे चुप करा लेता है और उसके आंसू पोंछ कर उसे ग्रेवयार्ड कोठी ले जाने लग जाता है। घर पहुंचने के बाद भी अभिमन्यु अनुराग की बातों को भुला नहीं पाया था, वो बातें उसके कानों में बार बार गूंज रही थी। वो कहीं खोया खोया था, वो इंतजार कर रहा था रात होने का, क्योंकि उसने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रात में घाट पर जाकर ही रहेगा ये देखने कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है। अभिमन्यु भले ही बच्चा था पर बचपन से ही वो होशियार और बहादुर था, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता था, उसकी परवरिश ही उसकी माँ ने कुछ इस तरह करी थी। जिस घड़ी का वो इंतजार कर रहा था वो आ गई थी, रात हो चुकी थी और उसी के साथ अमावस्या शुरू हो चुकी थी। जब अभिमन्यु के घर में सभी लोग सो जाते हैं तो वो बिना कोई आहट किए धीरे से अपने घर से बाहर निकलता है और किश्नोई नदी जाने के लिए निकल जाता है। इस वक्त अभिमन्यु रोंगकामुचा घाट पर पहुंच चुका था और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। उसने अपने दोनों हाथ की मुट्ठी भींच कर रखी हुई थी, उसके हाथों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मुट्ठी में कुछ हो। अभिमन्यु खुद से बात करते हुए अपने कदम घाट पर आगे बढ़ाते हुए कहता है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ जो डरूंगा, मैं नहीं डरता उस यक्षिणी से, डरूंगा तो तब ना जब वो होगी, मुझे पता है अनुराग अंकल मेरे साथ मजाक कर रहे थे युग की बात रखने के लिए, और वो युग वो तो है ही झूठा, एक नंबर का कहानी बाज। अभिमन्यु अपने आस पास देखते हुए कहता है, यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती है, यक्षिणी बस एक कहानी है और कुछ नहीं, और आज मैं ये बात साबित करके रहूंगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक
अभिमन्यु अपने आसपास देखते हुए कहता है, यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती है, यक्षिणी बस एक कहानी है और कुछ नहीं, और आज मैं ये साबित करके रहूंगा। यही सब बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु रोंकामुचा घाट पर आगे बढ़ते जा रहा था। इस वक्त रोंकामुचा घाट पर अभिमन्यु के सिवा कोई और नहीं था। अभिमन्यु रोंकामुचा घाट पर अपनी नजरें दौड़ाते हुए कहता है, कहाँ है यक्षिणी? मुझे तो कहीं भी वो दिखाई नहीं दे रही। किसी का शिकार करते हुए सब झूठ बोलते हैं, युग भी झूठ बोलता है और उसके पापा भी झूठ बोलते हैं। यक्षिणी जैसी कोई चीज नहीं होती है। अभिमन्यु घाट पर यक्षिणी को ढूंढते जा रहा था, पर कहीं भी उसे यक्षिणी दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर तक अभिमन्यु रोंकामुचा घाट पर ही घूमते रहता है, पर उसे कहीं भी कोई नजर नहीं आता है। अभिमन्यु परेशान होते हुए खुद से कहता है, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर अनुराग अंकल इतने ताव से क्यों कह रहे थे कि कल सुबह देख लेना, तुम्हें फिर किसी मर्द के कपड़े पर खून से सने हुए मिलेंगे। यहाँ घाट पर तो मुझे एक परिंदा तक नजर नहीं आ रहा है। पता नहीं सुबह तक घाट पर किसी मर्द के कपड़े कहाँ से आ जाएंगे। अभिमन्यु ने इतना सोचा ही था कि तभी उसके कानों में अनुराग की एक बात बार बार गूंजने लग जाती है, घाट पर देख लेना। यही आवाज अभिमन्यु के कान में बार बार गूंजते जा रही थी। अभिमन्यु अपना दिमाग दौड़ाते हुए कहता है, किश्नोई नदी के तो दो घाट हैं, एक रोंकामुचा और दूसरा बंगला मुड़ा। अनुराग अंकल ने तो सिर्फ इतना कहा था कि सुबह घाट पर देख लेना, उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि रोंकामुचा घाट पर देख लेना। अगर यक्षिणी सच में होती है तो वो यक्षिणी बंगला मुड़ा घाट पर भी तो शिकार कर सकती है। अभिमन्यु खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे एक बार बंगला मुड़ा घाट पर जाकर देखना चाहिए, हो सकता है मुझे वहां पर वो यक्षिणी दिख जाए। अगर वो मुझे वहां पर भी नहीं दिखी तो कल सुबह जाकर कह दूंगा उस युग से कि वो भी झूठा है और उसके पापा भी झूठे हैं। मैं गया था रात में घाट पर और मुझे वहां पर कोई नहीं दिखा। झूठी कहानियां बनाना बंद कर। यही सब बड़बड़ाते हुए अभिमन्यु किश्नोई नदी पार करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। किश्नोई नदी का पानी एकदम कम स्तर पर था और जैसे जानबूझकर उसकी धारा को कम कर दिया गया हो। किश्नोई नदी को अभिमन्यु से छोटा बच्चा भी आसानी से पार कर ले। जैसे ही अभिमन्यु नदी में अपना पहला कदम रखता है, वो छटपटाहट के साथ कहता है, आह कितना ठंडा पानी है। पर क्या करूं, नदी तो पार करना ही पड़ेगा, आखिर झूठ को झूठ जो साबित करना है मुझे। इतना कहकर अभिमन्यु नदी पार करने लग जाता है। अभी अभिमन्यु ने नदी के अंदर एक दो कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसे अचानक से एक घुटन सी होने लग जाती है। उसे अजीब सा लगने लग जाता है। वो अंधेरा जिसे देखकर उसे डर नहीं लगता था, उसे देखकर वो डरने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लग जाता है जैसे उसके आसपास कोई मौजूद हो, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। अभिमन्यु बहुत घबरा गया था, पर फिर भी वो डरते हुए धीरे धीरे नदी पार करते जा रहा था, क्योंकि उसे देखना था कि नदी के उस पार कोई है या नहीं। अभिमन्यु ने आधी नदी पार कर ली थी और अब बस आधी पार करनी बची हुई थी। अभिमन्यु अपने दोनों हाथ सामने करता है और बंद मुट्ठी को देखते हुए खुद को हौसला देते हुए कहता है, डर मत अभिमन्यु, तू ये नदी पार जा सकता है, और अगर उस पार यक्षिणी हुई भी तो तू उसका सामना कर सकता है, तू पूरी तैयारी के साथ आया है। इतना कहकर अभिमन्यु अपने दोनों हाथों की मुट्ठी खोल देता है। उसके हाथ की मुट्ठी में कई सारे राई के दाने थे। अभिमन्यु उन राई के दानों को देखते हुए कहता है, मैंने सुना है वो यक्षिणी इन राई के दानों से डरती है, और मुझे तो वो मंत्र भी याद है जो दादा ने याद कराते वक्त कहा था कि अगर कभी वो यक्षिणी तेरे सामने भी आ जाए तो तू इन राई के दानों के साथ वो मंत्र पढ़ लेना, फिर तेरा वो यक्षिणी कुछ नहीं कर पाएगी। राई के दानों को देखते हुए अभिमन्यु ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी की चीखती हुई आवाज सुनाई देती है। आदमी के चीखने की आवाज सुनकर अभिमन्यु घबरा जाता है, उसके हाथ कांप जाते हैं। उसके दोनों हाथों में जितने भी राई के दाने थे सारे नदी के अंदर गिर गए थे। अभिमन्यु उन राई के दानों को उठाने की कोशिश करता है, पर वो पानी के अंदर जाकर इस तरह रेत में मिल गए थे कि अंधेरे में उसे वो राई के दाने दिख ही नहीं पाते हैं, न उसके हाथ की पकड़ में आते हैं। उस आदमी के चीखने की आवाज इतनी तेज आई थी कि अभी भी वो आवाज आसमान में गूंज रही थी। अभिमन्यु राई के दानों को छोड़कर उस आदमी के चीखने की गूंजती हुई आवाज को गौर से सुनते हुए घबराहट के साथ कहता है, ये कैसी आवाज थी? ये तो किसी आदमी के चीखने की आवाज थी, ये तो उस तरफ से आई थी, इसका मतलब वो यक्षिणी किसी को अपना शिकार। इतना कहकर अभिमन्यु अपनी नजरें सामने कर लेता है। जैसे ही वो अपनी नजरें सामने करता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। डर के कारण उसके हाथ पैर थर थर कांपने लग जाते हैं।
अभिमन्यु देखता है कि बंगला मुड़ा घाट पर एक तेज पीली रोशनी निकल रही थी और उसी पीली रोशनी में ढेर सारा काला धुआं नजर आ रहा था। उस पीली रोशनी और काले धुएं को देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वहां पर कुछ अजीब चीज हो रही थी जो नॉर्मल नहीं थी। अभिमन्यु जैसे जैसे उस काले धुएं को देखते जा रहा था और ज्यादा डरते जा रहा था। अभिमन्यु उस जगह से एक कदम तक आगे नहीं बढ़ा पा रहा था। अभिमन्यु काले धुएं को देखते हुए डरते हुए कहता है, यक्षिणी। अभिमन्यु उस काले धुएं में बनती हुई अजीब सी परछाई को देखकर इतना डर गया था कि यक्षिणी के सिवा कुछ और नहीं बोल पा रहा था। उस पीली रोशनी में वो काला धुआं बढ़ते जा रहा था और उसी के साथ उस धुएं में अजीब सी बनती हुई परछाई भी। अभिमन्यु धुएं को एकटक देखते हुए यक्षिणी यक्षिणी बड़बड़ाए ही जा रहा था कि तभी कोई पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है, जिस कारण अभिमन्यु और भी डर जाता है। उसकी जान हलक में आ जाती है। अभिमन्यु घबराते हुए खुद से कहता है, मुझे छोड़ दो यक्षिणी, छोड़ दो, मैं तो बच्चा हूँ, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ पर आ गया। अभिमन्यु बिना पीछे मुड़े ये सब बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसे एक आदमी की आवाज सुनाई देती है। अभिमन्यु। अनजान आदमी के मुंह से अपना नाम सुनकर अभिमन्यु और भी ज्यादा घबरा जाता है। अभिमन्यु डरते हुए पीछे मुड़ने लग जाता है। जब अभिमन्यु पीछे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि अनुराग खड़ा हुआ था, जो एकटक नजर से उसे ही देखे जा रहा था। अनुराग को वहां पर देखकर अभिमन्यु की आंखें भर आती हैं और वो तुरंत अनुराग के गले लगते हुए रोते हुए कहता है, मुझे बचा लीजिए अनुराग अंकल, मुझे बचा लीजिए, वो यक्षिणी मुझे मार देगी, बचा लीजिए मुझे, मुझसे गलती हो गई जो मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊंगा। अनुराग अभिमन्यु की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें कुछ नहीं होगा अभिमन्यु बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अभिमन्यु फिर घबराते हुए अपनी बात रिपीट करता है, मुझे बचा लीजिए अनुराग अंकल, बचा लीजिए, वो यक्षिणी। अभिमन्यु के अंदर इतना डर देखकर अनुराग भी अभिमन्यु को अपनी बाहों में कसकर खींच लेता है और उसकी पीठ को सहलाते हुए उसे अपने पन का एहसास कराने लग जाता है। अभिमन्यु अनुराग के गले लगने के बाद भी यक्षिणी यक्षिणी बोलते रहता है। अनुराग को ज्यादा कुछ बोलने का मौका ही नहीं देता है। अभिमन्यु की आंखों के सामने अभी भी वो धुआं और उस आदमी के चीखने की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। अभिमन्यु के माथे पर पसीने की बूंदें बढ़ते जा रही थी, जिस कारण उसके कपड़े पसीने से लथपथ होते जा रहे थे। वो और ज्यादा डरने लग गया था। कुछ ही पल में वो इतना ज्यादा डर जाता है कि यक्षिणी यक्षिणी बड़बड़ाते हुए ही अभिमन्यु अनुराग की बाहों में बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद युग अपने स्कूल में था और सबसे लास्ट वाली बेंच पर बैठा हुआ था। उसके सामने वाली बेंच पर बिंदु बैठी हुई थी और उसके पीछे वाली बेंच पर कायर और कछुआ बैठे हुए थे। बिंदु, कायर और कछुआ पूरे 3 दिन बाद स्कूल आ रहे थे। सभी बच्चे आपस में बात करने में लगे हुए थे। उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी स्कूल लगा था, क्लासेस शुरू नहीं हुई थी। बिंदु पीछे मुड़ते हुए युग से बात करते हुए कहती है, अभिमन्यु आज भी स्कूल नहीं आएगा क्या युग? युग बिंदु के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, पता नहीं बिंदु, वो आएगा या नहीं आएगा, 3 दिन से तो नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया उसे, स्कूल ही नहीं आ रहा है। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, मुझे पता है अभिमन्यु को क्या हुआ है। युग तुरंत पूछ पड़ता है, क्या हुआ है अभिमन्यु को कछुआ? कछुआ जवाब देता है, उसे ना बुखार हो गया है, यक्षिणी का बुखार। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, यक्षिणी का बुखार? कछुआ हामी भरते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी का बुखार, तूने उस दिन हमें वो कहानी सुनाई थी ना यक्षिणी वाली, उसी के बाद से तो हम चारों स्कूल नहीं आ रहे थे। तूने हमें यक्षिणी की इतनी डरावनी कहानी ही सुनाई थी कि हमारी तबीयत खराब हो गई थी। मेरे, कायर और बिंदु का तो यक्षिणी का बुखार उतर गया, पर लगता है अभिमन्यु के ऊपर यक्षिणी का बुखार अभी तक नहीं उतरा है, तभी तो वो स्कूल नहीं आ रहा है। कायर कछुए का साथ देते हुए कहता है, बिल्कुल सही कहा, मेरी तबीयत तो घर जाते ही खराब हो गई थी उसी दिन। युग कुछ सोचते हुए कहता है, पर अभिमन्यु की तबीयत कैसे खराब हो गई, वो तो यक्षिणी पर यकीन ही नहीं करता ना। कायर झट से बोल पड़ता है, यकीन नहीं करता तभी तो तबीयत खराब हो गई। उस दिन जब तूने हमें कहानी सुनाई थी ना, तो जब हम घर जा रहे थे तो वो रास्ते में कुछ करने का बोल रहा था। युग मुंह बनाते हुए कहता है, कुछ करने का बोल रहा था, क्या करने का बोल रहा था? कायर अपना सिर खुजाते हुए कहता है, क्या करने का बोल रहा था ये तो मुझे नहीं पता, पर उसके मन में कुछ तो चल रहा था,
तेरे पापा से बात करने के बाद से ही कुछ खोया खोया लग रहा था। हमसे बात तक ठीक से नहीं कर रहा था और हम उससे बात भी करने की कोशिश कर रहे थे तो हमें चुप करा देता था। कहता था चुप बैठो, मुझे सोचने दो, रात को घर के बाहर कैसे निकलना है। युग हैरान होते हुए पूछता है, रात को घर से बाहर कैसे निकलना है मतलब? कायर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अब अभिमन्यु के कहने का क्या मतलब था वो तो वही जानता है, उसकी बातें आखिर उसी को तो समझ आती है। पर हाँ, वो कुछ तो करने वाला था उस रात। क्यों कछुआ, तेरे ही तो सामने की बात है ना, ये तू भी तो था वहां पर। कछुआ तुरंत हामी भरते हुए कहता है, हाँ कायर सही कह रहा है, उस दिन अभिमन्यु के मन में कुछ तो चल रहा था। कायर, कछुआ, युग और बिंदु अभिमन्यु के बारे में बात ही कर रहे थे कि तभी वहां पर अभिमन्यु आ जाता है। अभिमन्यु की आंखों के नीचे डार्क सर्कल थे, उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उसकी कुछ दिन से नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। वो कुछ कमजोर भी लग रहा था, उसका मुंह लटका हुआ और वो कुछ मायूस था। अभिमन्यु मायूसी के साथ क्लासरूम के दरवाजे से अपने दोस्तों के पास आता है और युग के बगल में जाकर बैठ जाता है। बिंदु तुरंत अभिमन्यु से पूछती है, तू कैसा है अभिमन्यु, और कहां था इतने दिनों से? तेरी भी हमारी तरह उस दिन के बाद से तबीयत खराब हो गई थी क्या डर से? अभिमन्यु बिंदु के सवालों का कुछ जवाब नहीं देता है, मुंह लटका कर बैठे रहता है। अभिमन्यु का ऐसा बर्ताव उसके दोस्तों को बहुत अजीब लग रहा था, और सबसे ज्यादा जिसे अजीब लग रहा था वो था युग। उसने आज तक अभिमन्यु को इतना मायूस कभी नहीं देखा था। युग बड़े प्यार से अभिमन्यु के कंधों पर हाथ रखते हुए एक अपनेपन के साथ कहता है, क्या हुआ अभिमन्यु, तू ठीक तो है? अभिमन्यु युग की तरफ देखते हुए कहता है, सॉरी युग, मुझसे गलती हो गई। युग मुंह बनाते हुए कहता है, गलती हो गई, क्या गलती हो गई? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। युग मुंह बनाते हुए कहता है, गलती हो गई, क्या गलती हो गई तुझसे अभिमन्यु? अभिमन्यु मायूसी के साथ ही अपनी पहले कही हुई बातों पर पछताते हुए कहता है, मुझे तेरी बात मान लेनी चाहिए थी युग, नहीं जाना चाहिए था वहाँ पर, नहीं जाना चाहिए था। युग परेशान होते हुए कहता है, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए था, तू कहाँ जाने की बात कर रहा है? अभिमन्यु एक लंबी आह भरते हुए कहता है, घाट पर युग। जैसे ही अभिमन्यु ये बात बोलता है उसके सभी दोस्तों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा, घाट पर? अभिमन्यु हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग, घाट पर, मैं अमावस्या की रात घाट पर गया था। कछुआ डरते हुए हकलाहट के साथ कहता है, क्या कहा तू, अमावस्या की रात घाट पर गया था? अभिमन्यु कहता है, हाँ मैं घाट पर गया था ये देखने के लिए कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है। बिंदु तुरंत पूछ बैठती है, फिर वहां पर क्या देखा तूने? अभिमन्यु अपने सभी दोस्तों को एक ही बार में बता देता है कि अमावस्या की रात घाट पर उसके साथ क्या कैसे हुआ था। अभिमन्यु अपनी बात खत्म करते हुए डरते हुए कहता है, वो तो अच्छा हुआ युग कि उस रात तेरे पापा आ गए, वरना यक्षिणी तो उस रात मुझे मार। अभिमन्यु अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही युग उसके मुंह पर उंगली रखते हुए कहता है, चुप हो जा अभिमन्यु, ऐसे नहीं बोलते, मैं तुझे कभी खोना नहीं चाहता, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बिंदु भी झट से कहती है, सिर्फ युग का ही नहीं अभिमन्यु, तू हम सबका सबसे अच्छा दोस्त है, हम में से कोई भी तुझे कभी नहीं खोना चाहेगा। अभिमन्यु अभी भी डरते हुए कहता है, तेरे पापा ने मेरी जान बचा ली युग, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे तो उसी दिन उनकी बात मान लेनी चाहिए थी और वहां पर जाना नहीं चाहिए था। युग बड़े प्यार से कहता है, भूल जा अभिमन्यु, जो भी हुआ, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कायर कुछ सोचते हुए कहता है, अभिमन्यु तू ये देखने गया था घाट पर कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है, पर युग तेरे पापा वहाँ घाट पर क्यों गए थे? कछुआ भी बौखलाहट के साथ कायर की बात खत्म होते ही बोल पड़ता है, हाँ युग, तेरे पापा आखिर क्यों गए थे घाट पर? युग कुछ जवाब देता उससे पहले ही क्लासरूम के अंदर ही टीचर आ जाती है और सब बच्चे खड़े होने लग जाते हैं। युग और उसके दोस्त भी खड़े हो जाते हैं और बातें करना बंद कर देते हैं। क्लासेस के बाद युग और उसके दोस्त खेलने में इतना मगन हो जाते हैं कि युग से कोई दोबारा सवाल ही नहीं करता है। युग भी उस बात को भूल जाता है, वो तो इसी बात को सोचकर बहुत खुश था कि अभिमन्यु यक्षिणी पर यकीन करने लग गया था, वो उसके सामने झूठा साबित नहीं हुआ था। उसी दिन से अभिमन्यु और युग की दोस्ती और ज्यादा बढ़ गई थी।
युग और अभिमन्यु की दोस्ती सिर्फ गहरी ही नहीं हुई थी, बल्कि उसी दिन से अभिमन्यु के दिल में अनुराग के लिए एक अलग ही जगह बन गई थी। वो उसका कर्जदार बन गया था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि अगर अनुराग उस दिन सही वक्त पर नहीं आया होता तो उसका राम नाम सत्य हो चुका होता। अमावस्या वाली रात के बाद अनुराग टेंशन में आ गया था। उसका टेंशन में आना लाजमी भी था। उसके टेंशन में आने के कई सारे कारण थे। पहला तो ये कि जिस तरह अभिमन्यु ये देखने घाट पर पहुंच गया था कि यक्षिणी होती है या नहीं होती है, उसी तरह बाकी बच्चे भी ना पहुंच जाए। दूसरा ये कि जो कहानियां और बातें युग ने अपने दोस्तों को यक्षिणी के बारे में बताई, वही बातें बच्चे जाकर अपने माता पिता को ना बता दे। यही बात कि अनुराग यक्षिणी से मिल चुका है, वही उसे कहानियां सुनाती है, ये बात गाँव में ना फैल जाए। अगर ये बात गाँव में फैल जाती तो ये बात चित्रा तक पहुँचने में ज्यादा देर नहीं लगती, फिर चित्रा अनुराग का जीना मुश्किल कर देती। ऐसे ही कई सारे कारण थे जिस वजह से अनुराग टेंशन में था। पर जब वो उस अमावस्या के चार दिन बाद युग के दोस्तों से मिला तो शॉक्ड रह गया। शॉक्ड रहने वाली बात ही थी। हुआ ये था कि जब अनुराग ने युग के दोस्तों से पूछा कि उन्होंने अपने माता पिता से यक्षिणी की कहानी का जिक्र तो नहीं किया, तो सबका यही कहना था कि अनुराग अंकल आप किस कहानी की बात कर रहे हैं, कैसी यक्षिणी की कहानी। अनुराग सबके मुंह से सेम जवाब सुनकर दंग रह गया था। किसी भी बच्चे को युग की बताई हुई कहानियां याद ही नहीं थी। युग के दोस्तों को क्या, खुद युग को यक्षिणी की कोई भी कहानी याद नहीं थी जो वो उसे सुनाया करता था। अनुराग समझ गया था कि बच्चों की मेमोरी के साथ कुछ तो हुआ था। तभी उन्हें यक्षिणी की कहानियों के बारे में कुछ पता नहीं था, बस यक्षिणी का नाम पता था। उसी दिन के बाद से अनुराग ने युग को फिर कभी कोई यक्षिणी की कहानी नहीं सुनाई। वो युग को यक्षिणी से अनजान ही रखना चाहता था। वो बहुत जल्दी समझ गया था कि योग अभी भी छोटा बच्चा ही था, कब क्या किसके सामने बोल दे और फिर एक नई मुसीबत खड़ी कर दे। योग को खुद पता नहीं था। अनुराग ने कोशिश करी थी ये पता लगाने की कि बच्चों के साथ हुआ क्या था, पर वो कुछ पता नहीं लगा पाया। पर एक प्रकार से ये अनुराग के लिए अच्छा ही था। उसकी कई सारी टेंशन खत्म हो गई थी। न बच्चों को कुछ याद था, न वो अपने पेरेंट्स को कुछ बताते, और ना ही गाँव में ये बात फैलती। और जब बात गाँव में फैलती ही नहीं तो चित्रा तक ये बात पहुँचती ही नहीं। अनुराग की सारी परेशानियां बच्चों की कुछ मेमोरी जाने के कारण जा चुकी थी, पर ऐसी कई सारी परेशानियां थी जो आने वाले वक्त में आने वाली थी। दिन गुजरते जा रहे थे और दिन गुजरने के साथ ही चित्रा और अनुराग के बीच की कड़वाहटें भी बढ़ती जा रही थी। ऐसा एक दिन नहीं गुजरता था जिस दिन अनुराग और चित्रा का झगड़ा नहीं होता था। रोज उनके बीच किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होते रहता था, जिस कारण युग मायूस रहने लग गया था। पर साल में एक दिन ऐसा आया जब युग सबसे ज्यादा खुश था। उसकी जिंदगी का वो सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उस दिन चित्रा और अनुराग ने कोई झगड़ा नहीं किया था, और वो दिन था युग के बर्थडे का। अनुराग और चित्रा ने युग के बर्थडे की एक रात पहले ही ये डिसाइड कर लिया था कि वो युग के बर्थडे के दिन कोई झगड़ा नहीं करेंगे किसी भी बात को लेकर, क्योंकि उन दोनों ने भी युग के चेहरे पर की मायूसी की वजह को पढ़ लिया था। कैसे ना पढ़ते, आखिर वो उसके माँ बाप जो थे, और माँ बाप अपनी औलाद के बिना कहे ही सब कुछ समझ जाते हैं, उसका दुख दर्द खुशी सब कुछ। बर्थडे के दिन ही युग को एक ऐसा गिफ्ट मिला जो उसे उम्र भर तक याद रहने वाला था। आज युग का बर्थडे था। युग के सभी करीबी दोस्त उसकी बर्थडे पार्टी में आए थे सिवाय अमुदिता के। सभी बच्चों के माता पिता ने अपने बच्चों को ग्रेवयार्ड कोठी जाने से मना कर दिया था, पर वो तो सभी बच्चों ने अपने घर में जिद की थी, तब उनके माता पिता ने उन्हें ग्रेवयार्ड कोठी जाने की इजाजत दे दी, लेकिन एक शर्त पर, वो ये कि शाम होने से पहले ही वापस आ जाएंगे। यही वजह थी कि युग का बर्थडे दोपहर में मनाया जा रहा था। इस वक्त युग केक कटिंग के लिए केक के सामने खड़ा हुआ था। उसके ही अगल बगल चित्रा और अनुराग खड़े हुए थे, बाकी उसके दोस्त आसपास खड़े हुए थे। युग ने अपने हाथ में चाकू पकड़ कर रखा हुआ था। चित्रा को देख कर ऐसा लग रहा था कि वो किसी के आने का इंतजार कर रही थी। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। सभी बच्चे युग के केक काटने का इंतजार कर रहे थे, और सबसे ज्यादा इंतजार जो कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि कछुआ था। कछुआ रेड वेलवेट केक को देखकर अपने मुंह में पानी लाते हुए धीरे से कायर के कान में कहता है, यार ये केक देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जरा सोच खाने में कितना मजा आएगा इसे। कायर भी अपनी लार टपकाते हुए कहता है, हाँ यार बहुत मजा आएगा, बहुत टेस्टी होगा ये। बस अब ये युग जल्दी से केक काटे और मैं इसे खाऊं, उसी का इंतजार है। कछुआ कहता है, मुझे भी यार, पर पता नहीं ये युग केक क्यों नहीं काट रहा है। कायर पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है। वो देख लेता है कि अनुराग ने उसे और कछुए को बात करते हुए देख लिया था।
बस देखा ही नहीं था बल्कि उनकी बातें भी सुन ली थी। इसी वजह से कायर अनुराग से अपनी नजरें चुराने लग गया था। जब कायर पलटकर कुछ जवाब नहीं देता तो कछुआ सीधा चित्रा से ही पूछ बैठता है, आंटी जी केक कब कटेगा? चित्रा दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, बस थोड़ी देर और बेटा। युग बड़े प्यार से कहता है, मम्मा मैं केक काट लूं? चित्रा युग को मना करते हुए कहती है, अभी नहीं युग बेटा। अनुराग चित्रा से कहता है, चित्रा मुझे लगता है हमें केक काट लेना चाहिए। चित्रा पलट कर कहती है, ऐसे कैसे काट लें अनुराग, अभी बड़ी दीदी रजनी अमोदिता और वंदना को तो आने दो, उनके बिना ही हम केक काट लें क्या? वो आएंगे तो क्या कहेंगे कि तुमने हमें इतना पराया कर दिया कि हमारी बिना ही केक काट लिया। अनुराग तुरंत बोल पड़ता है, वो नहीं आने वाले चित्रा, मैंने तुम्हें बताया तो था, विराट का फोन आया था और वो बता रहा था कि दिलीप भैया घर में ही है और आज वो कोई सी पूजा करवा रहे हैं जिस कारण उनमें से कोई भी नहीं आएगा। चित्रा हिचकिचाहट के साथ कहती है, मुझे पता है अनुराग, पर क्या पता उनमें से कोई आ जाए हमें सरप्राइज देने के लिए, वंदना ने कहा था वो युग के बर्थडे में जरूर आएगी। अनुराग अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, कोई नहीं आने वाला चित्रा, तुम जानती हो ना सारे रिश्ते टूट चुके हैं और टूटे हुए रिश्ते वापस से नहीं जुड़ते हैं। चित्रा अनुराग को टोंट मारते हुए कहती है, तुमने आज तक रिश्ते तोड़ने ही तो सीखे हैं अनुराग, अगर रिश्ते जोड़ना सीखे होते तो ये नौबत ही नहीं आती, सब यहाँ पर पहले से ही मौजूद होते। अनुराग पलट कर कुछ नहीं कहता है, वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो चित्रा के पास उसका जवाब मौजूद था, इसलिए वो चुप रहना ही मुनासिब समझता है। कुछ देर तक चित्रा और इंतजार करती है, पर जब कोई नहीं आता तो वो खुद युग को केक काटने के लिए कह देती है। युग जब केक काटता है तो उसे काटने के बाद सबसे पहले अनुराग को खिलाता है, क्योंकि युग सबसे ज्यादा प्यार अनुराग से ही करता था। अनुराग को सबसे पहले केक खिलाता हुआ देखकर चित्रा का मुंह उतर जाता है, क्योंकि बर्थडे पार्टी का सारा खर्चा उसने उठाया था और केक अनुराग को सबसे पहले खिलाया जा रहा था। चित्रा का मन उदास था, पर वो जानती थी कि आज वो उदास नहीं रह सकती थी, आखिर उसके बेटे का बर्थडे था और वो ये बात भी जानती थी कि युग के इस बर्थडे को और यादगार कैसे किया जा सकता था, कैसे युग को और ज्यादा खुश किया जा सकता था। जब युग अपने सभी दोस्तों को अपने हाथों से केक खिला देता है तो उसके बाद चित्रा बड़े प्यार से युग से कहती है, युग बेटा आपकी मम्मा आपके लिए कुछ लाई है। युग खुश होते हुए कहता है, आप मेरे लिए कुछ लाई है? क्या लाई है मम्मा? चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, वो तो सरप्राइज है युग बेटा, आप मेरे साथ चलो। चित्रा युग को अपने ड्राइंग रूम में ले जाने लग जाती है। चित्रा और युग के पीछे ही कायर, कछुआ, बिंदु, अभिमन्यु और अनुराग भी जाने लग जाते हैं। जब वो सब ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ था जिसे गिफ्ट रैपिंग से कवर किया गया था। युग उस बॉक्स को देखकर ही समझ जाता है कि वो गिफ्ट उसके लिए था। युग उस गिफ्ट को देखकर खुश होते हुए कहता है, मम्मा इतना बड़ा गिफ्ट? चित्रा मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ युग बेटा अब आप बड़े हो रहे हो तो आपको बड़ा गिफ्ट भी तो मिलना चाहिए ना। युग उस बड़े से गिफ्ट को देखकर हैरान रह गया था। सिर्फ युग ही नहीं, उसके बाकी सब दोस्त भी। उसके सभी दोस्त आंखें फाड़ फाड़ कर उस गिफ्ट को देखकर यही सोचे जा रहे थे कि आखिर उसके अंदर क्या था। उस बड़े से गिफ्ट को देखकर सभी खुश थे सिवाय अनुराग के। उसका चेहरा उतर गया था, जिसकी वजह ये थी कि वो युग के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया था। गिफ्ट लेकर भी कहां से आता, उसके पास तो सिगरेट पीने तक के पैसे नहीं थे। युग बड़े प्यार से चित्रा से पूछता है, इसके अंदर क्या है मम्मा? चित्रा कहती है, युग बेटा गिफ्ट आपका है तो आप खुद ही खोलकर देख लो कि इसके अंदर क्या है। वैसे इसके अंदर वो है जो आपको चाहिए था। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। चित्रा कहती है, युग बेटा गिफ्ट आपका है तो आप खुद ही खोलकर देख लो कि इसके अंदर क्या है। वैसे इसके अंदर वो है जो आपको चाहिए था। युग चित्रा की बात पूरी नहीं सुनता है और भागते हुए बड़े से गिफ्ट के पास जाता है और उसे खोलने लग जाता है। युग बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ वो गिफ्ट खोलने में लगा हुआ था। युग के चेहरे को देखकर ही लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा खुश था उतने बड़े गिफ्ट को देखकर। बिंदु के बगल में ही कायर खड़ा हुआ था। बिंदु धीरे से कायर से पूछती है, इसके अंदर क्या होगा कायर? कायर धीरे से जवाब देता है, मुझे क्या पता बिंदु की क्या है इसके अंदर, पर देखकर लग रहा है इसके अंदर जरूर कोई बड़ा सा टेडी बियर होगा, वही लाई होगी युग की मम्मी उसके लिए। कछुआ तुरंत बोल पड़ता है, नहीं नहीं इसके अंदर टेडी बियर नहीं होगा।
कायर मुंह बनाते हुए कहता है, टेडी बियर नहीं होगा तो क्या होगा? कछुआ अपने मुंह से लार टपकाते हुए कहता है, इसके अंदर ना जरूर आइसक्रीम होगी। कायर के कुछ कहने से पहले ही बिंदु बोल पड़ती है, कछुए तुझे ना हर जगह खाने की चीज ही नजर आती है, इसके अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता। कछुआ बड़े ताव से बोल पड़ता है, अरे इसके अंदर वही होगा, देख लेना तू। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ देखते हैं। अभिमन्यु भी उन लोगों की बातें सुनकर मन ही मन सोचने लग जाता है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या होगा, ऐसा क्या हो सकता है जो युग को पसंद होगा। युग अभी भी गिफ्ट की रैपिंग ही खोल रहा था। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ युग से कहता है, जल्दी कर युग, जल्दी खोल गिफ्ट। युग गिफ्ट की रैपिंग खोलते हुए कहता है, खोल ही तो रहा हूँ कछुए, तुझे दिख नहीं रहा क्या? कछुआ कहता है, हाँ हाँ दिख रहा है, पर थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला या फिर मैं तेरी मदद करूँ गिफ्ट खोलने में। युग कछुए को मना करते हुए कहता है, नहीं ये मेरा गिफ्ट है, मेरी मम्मा ने मुझे दिया है तो इसे तो मैं ही खोलूंगा। इसी के साथ युग अपने हाथ और जल्दी जल्दी चलाने लग जाता है और कुछ ही पल में युग उस गिफ्ट की सारी रैपिंग को खोल लेता है। और जब बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर का गिफ्ट देखकर युग के चेहरे पर वो खुशी थी जो पहले कभी नहीं आई थी। उसके चेहरे की चमक रंगत देखकर ही समझ आ रहा था कि उसको वो गिफ्ट बहुत पसंद आया था। सिर्फ युग को ही नहीं, उसके बाकी दोस्तों को भी चित्रा का दिया हुआ गिफ्ट बहुत पसंद आया था। चित्रा ने युग को कुछ और नहीं बल्कि लाल रंग की साइकिल दी थी जो उसे कई महीनों से चाहिए थी। पर युग ने कभी ये बात न चित्रा से कही थी न अनुराग से, क्योंकि चित्रा और अनुराग जब देखो पैसों को लेकर लड़ते झगड़ते थे। और युग खुद इतना समझदार था कि वो समझ गया था कि कुछ भी मांगना ठीक नहीं था। युग साइकिल को छूते हुए बड़ी खुशी के साथ कहता है, मम्मा आप मेरे लिए ये साइकिल लेकर आई हैं, ये तो बहुत प्यारी है, आपको कैसे पता कि मुझे साइकिल चाहिए थी? चित्रा पलट कर कहती है, युग बेटा तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और एक माँ ना अपने बेटे के बिना कहे ही समझ जाती है कि उसके बेटे को कब क्या चाहिए। चित्रा ने कई बार नोटिस किया था कि वो युग को जब भी कहीं घुमाने ले जाती थी और रास्ते में युग को किसी बच्चे की साइकिल दिखती तो युग बड़े प्यार से उस साइकिल को ही निहारते रहता था। वहीं से चित्रा को समझ आ गया था कि युग को साइकिल बहुत पसंद थी और युग को वो चाहिए भी थी, पर युग कभी खुद नहीं बोलता था। चित्रा मुस्कुराते हुए युग से पूछती है, आपको कैसी लगी युग बेटा ये साइकिल? युग उस साइकिल पर अपने हाथ फेरते हुए ही कहता है, ये साइकिल तो मुझे बहुत अच्छी लगी मम्मा, ये बहुत ही सुंदर है। सिर्फ युग को ही नहीं बल्कि उसके दोस्तों को भी वो साइकिल बहुत पसंद आई थी। युग के चेहरे पर की खुशी देखकर खुश तो अनुराग भी बहुत था, पर अंदर से वो दुखी भी बहुत था, क्योंकि एक बाप होने के नाते वो खुद अपने बेटे को कोई गिफ्ट नहीं दे पाया था। युग की तरह उसके दोस्त भी साइकिल को छूने लग जाते हैं। युग अगले पल अनुराग के पास जाता है और बड़े प्यार से पूछता है, आपका गिफ्ट कहाँ है पापा, आप मेरे लिए क्या लेकर आए हैं? जैसे ही अनुराग युग के मुंह से ये सवाल सुनता है वो और ज्यादा मायूस हो जाता है। पर युग का ये सवाल सुनकर चित्रा के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी, क्योंकि वो जानती थी कि अनुराग युग के लिए कोई गिफ्ट लेकर नहीं आया है। अनुराग खामोश खड़ा रहता है, युग के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। युग फिर अनुराग से पूछता है, बोलिए ना पापा आप मेरे लिए क्या लेकर आए? अनुराग के कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, वो बस खामोशी के साथ खड़ा हुआ था। युग अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लाइए दीजिए, मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए पापा। अनुराग सोचने लग जाता है कि वो क्या करे, तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो बड़े अच्छे से कहता है, आपको गिफ्ट चाहिए ना युग बेटा, पर उसके लिए आपको पहले ही अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी, तभी आपको आपका गिफ्ट मिलेगा। बस इतनी सी बात, मैं अभी कर लेता हूँ अपनी आंखें बंद, लीजिए हो गई मेरी आंखें बंद पापा। इतना कहकर युग अपनी आंखें बंद कर लेता है। चित्रा भी अनुराग को देखकर हैरान हो गई थी, उसके भी समझ नहीं आ रहा था कि अनुराग युग को क्या गिफ्ट देने वाला था, क्यों उसने युग को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा था। अगले ही पल अनुराग अपने घुटनों पर बैठता है और युग के माथे पर एक चुंबन देते हुए कहता है, ये रहा युग बेटा आपका गिफ्ट, आपके लिए आपके पापा का प्यार, आपके पापा अभी बस आपको खूब सारा प्यार ही दे सकते हैं और कुछ नहीं। अगले पल युग अपनी आंखें खोलकर अनुराग के माथे पर भी उसी तरह चूमते हुए कहता है, मुझे आपका प्यार ही चाहिए पापा और कुछ नहीं, आप ही मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है। युग को अनुराग के और करीब जाते हुए देखकर चित्रा और जल भुन जाती है, पर कहती कुछ नहीं है क्योंकि वो जानती थी कि आज उसे अनुराग से कोई भी झगड़ा नहीं करना था। कछुआ युग की साइकिल को चारों तरफ से देखते हुए कहता है, युग तू ना ये साइकिल मुझे दे दे।
युग पलट कर कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही उसके बगल में खड़ा कायर बोल पड़ता है, कछुआ तू पागल हो गया है क्या? ये कैसी पागलों जैसी बात कर रहा है? अभी अभी युग की मम्मी ने युग को ये साइकिल गिफ्ट करी और तू उससे साइकिल ही मांग रहा है। कछुआ पलट कर कहता है, हाँ कायर, क्योंकि ये साइकिल ना युग के किसी काम की नहीं है। बिंदु मुंह बनाते हुए कहती है, उसके किसी काम की नहीं है मतलब? कछुआ हंसते हुए कहता है, युग को साइकिल चलानी आती ही नहीं है तो वो ये साइकिल लेकर क्या करेगा? रखे रखे इसमें जंग लग जाएगी, इसलिए मैं ले लेता हूँ, कम से कम मैं चलाऊंगा तो सही। युग झट से बोल पड़ता है, चलानी नहीं आती तो क्या हुआ, मैं सीख जाऊंगा, पर मैं नहीं देने वाला ये साइकिल, आखिर ये साइकिल मेरी मम्मा ने मुझे दिलाई है। कोई बच्चा कुछ कहता उससे पहले अनुराग बोल पड़ता है, बिल्कुल सही कहा युग ने, युग ये साइकिल किसी को नहीं देगा, आखिर उसकी प्यारी मम्मा ने उसे ये साइकिल दिलाई है। और रही बात साइकिल ना आने की, तो युग को साइकिल चलाना भी बहुत जल्द आ जाएगा, उसके पापा उसे साइकिल चलाना सिखाएंगे। जैसे ही अनुराग ये बात कहता है, युग खुश होते हुए कहता है, क्या कहा पापा, आप मुझे साइकिल चलाना सिखाएंगे? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ युग बेटा, आपकी मम्मा ने ये साइकिल दिलाकर अपना फर्ज निभाया है, तो अब आपके पापा आपको ये साइकिल सिखाकर अपना फर्ज निभाएंगे। चित्रा अनुराग को टोंट मारते हुए कहती है, चलो इसी बहाने तुम कोई तो फर्ज निभाओगे अनुराग, वरना मुझे तो लगा था तुम किसी काम के नहीं हो, एक नंबर के निकम्मे हो। अनुराग पलट कर कुछ नहीं कहता है, खामोश खड़ा रहता है। साइकिल मिलने के अगले दिन से ही युग ने अनुराग के साथ साइकिल सीखनी शुरू कर दी। जैसे जैसे अनुराग को वक्त मिलते जाता था, वो युग को साइकिल सिखाते रहता था। युग ने भी धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर दिया था, पर वो अभी पूरी तरह से साइकिल चलाना सीखा नहीं था। कभी कभी तो चित्रा को ही अफसोस होता था कि उसने युग को साइकिल लाकर क्यों दी, क्योंकि साइकिल लाकर देने से युग अनुराग के और करीब आ गया था, युग और ज्यादा अनुराग से प्यार करने लग गया था। हमारी जिंदगी में कई सारी यादें होती हैं, कुछ यादें इंसान से जुड़ी रहती हैं तो कुछ चीजों से, कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें बुरी, और कभी कभी तो सिर्फ एक ही चीज से हमारी सबसे अच्छी यादें और बुरी यादें एक साथ जुड़ी रहती हैं। उन्हीं चीजों में से एक चीज युग की जिंदगी में उसकी ये साइकिल थी, जिससे उसकी सबसे अच्छी यादें तो जुड़ गई थी, पर अब बुरी यादें जुड़ना बाकी था। एक ऐसी बुरी याद की उसके जुड़ने के बाद उसने हमेशा हमेशा के लिए साइकिल चलाना ही छोड़ दिया। युग ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर अकेला साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा था, अनुराग उस वक्त वहां पर नहीं था। युग अकेले साइकिल चलाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी वहां पर विराट आ जाता है। विराट देखता है कि युग ठीक से साइकिल नहीं चला पा रहा था, वो प्रॉपर तरीके से सीट पर नहीं बैठ पा रहा था। विराट युग को प्यार से छोटे कहकर पुकारता था। विराट युग से पूछता है, और छोटे क्या चल रहा है? युग बड़े प्यार से कहता है, विराट भैया आप? बस साइकिल चला रहा था विराट भैया। विराट कहता है, ऐसे साइकिल नहीं चलाते हैं छोटे, लगता है तुम्हें अभी ठीक से साइकिल चलानी नहीं आई है। युग कहता है, हाँ भैया बस अभी कुछ दिनों पहले ही सीखना शुरू किया है। विराट साइकिल को देखते हुए कहता है, साइकिल दिखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, बस अब जल्दी से चलाना सीख जाओ, मैं बताता हूँ कैसे चलाते हैं साइकिल। विराट युग को साइकिल चलाना सिखाने लग जाता है। कुछ देर तक विराट युग को साइकिल चलाना सिखाते रहता है। विराट साइकिल युग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, चल अब बैठ जा जल्दी सीट पर। युग घबराते हुए कहता है, बैठ जाऊं पर कैसे विराट भैया, मेरी तो हाइट ही नहीं पहुंचेगी सीट तक। विराट कहता है, पहुंच जाएगी छोटे, तुझे कैंची चलाना तो आ ही गई है ना, वही कैंची चलाते जाना और चलाते हुए ही सीट पर बैठ जाना। युग घबराते हुए कहता है, नहीं भैया मैं गिर जाऊंगा। विराट युग की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, नहीं गिरेगा छोटे, तुझे तेरे विराट भैया पर भरोसा है ना, वो तुझे नहीं गिरने देंगे, तुझे कभी कुछ नहीं होने देंगे। युग अपनी छोटी छोटी नाजुक कोमल उंगली से विराट का हाथ थाम लेता है। विराट युग को उठाता है और साइकिल पर बैठा देता है। विराट कहता है, चल अब पैडल मार धीरे धीरे। युग पैडल मारने लग जाता है और उसके साथ ही युग की साइकिल आगे बढ़ने लग जाती है। विराट पीछे से साइकिल को पकड़ कर रखे हुए था ताकि युग गिरे नहीं। जैसे जैसे युग की साइकिल आगे बढ़ती जा रही थी, उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था और डर खत्म होते जा रहा था। कुछ ही देर में युग की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। विराट पीछे से साइकिल छोड़ देता है और युग अकेला साइकिल चलाने लग जाता है। विराट युग को खुश देखकर कहता है, छोटे मजा आ रहा है ना साइकिल चलाने में। युग पैडल जोर से मारते हुए कहता है, हाँ विराट भैया बहुत आ रहा है। विराट आगे कहता है, अब मुझे इसी साइकिल से लेने आना हवेली में, ठीक है ना।
विराट के ये बात बोलते ही युग के चेहरे की खुशी अचानक गायब हो जाती है। वो थोड़ा मायूस हो जाता है। विराट ये बात नोटिस कर लेता है और तुरंत युग से पूछता है, क्या हुआ, ये तेरा चेहरा क्यों लटक गया एकदम से? युग कहता है, मैं हवेली कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं वहां पर आया तो बड़े पापा नाराज होंगे ना? विराट हैरानी के साथ कहता है, बड़े पापा नाराज होंगे पर क्यों? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।